यस सरकार। सो नेक्स्ट पॉइंट है मॉक टेस्ट पेपर आईसीएआई का, जो मई 20 मंथ में इशू किया था, जिनके जुलाई 20 एग्जाम्स है उनके लिए तो रिलेवेंट है ही है, जिनके नवंबर 20 है उसके बाद एग्जाम्स है उनके लिए भी रिलेवेंट है बेटा। ये तो एग्जाम्स एक तरह से टेस्ट सीरीज लिया है आईसीआई ने, तो आपको पैटर्न समझ में आएगा किस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं और किस तरह से उनका सोल्यूशन देना आपको। तो सर शुरू करते हैं हम किसे, मॉक टेस्ट सीरीज। सरकार अभी मई 20 के लिए एक ही पेपर आया है, तो सर वो आप लोग प्रिंट ले लीजिए या तो आईसीआई वेबसाइट से, या आपके पास अगर नया क्वेश्चनर जो हमारा 20th एडिशन बुक के साथ में जो क्वेश्चनर हमने इशू किया है उसमें भी एंड में हमने मॉक टेस्ट पेपर दिया है, आप चाहे अगर आपके पास वो बुक है तो आप वो भी रेफर कर सकते हो। ओके तो हम शुरू कर रहे हैं मॉक टेस्ट पेपर। बच्चों ध्यान रखना, जिनकी भी एग्जाम्स जुलाई 20 में है या नवंबर 20 में या उसके बाद है, वो सब स्टूडेंट्स ये मॉक टेस्ट पेपर प्लस आरटीपी जो मैंने रिकॉर्ड करके आपको मिल गया होगा आरटीपी भी, तो ये सब आपको देखना है, सबके लिए रिलेवेंट है। सेकंड थिंग, रिवीजन टेस्ट पेपर आरटीपी जो मई 20 का था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, प्लस जो आरटीपी था नवंबर 19 का वो भी मैं लास्ट अटेम्प्ट के लिए मैंने अपलोड किया था, आप वो भी रेफर करिएगा। क्लियर? बहुत मेजर अमेंडमेंट नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आप लोग वो लेक्चर भी देखिएगा तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड, माहौल बनेगा। सर आइए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1, सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, क्वेश्चन नंबर 1 जो सर केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू है। ओके फर्स्ट क्वेश्चन, मेसर्स एसवी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इज अ फार्मास्यूटिकल कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन, इट हैज इट्स हेड ऑफिस इन राजस्थान, बींग रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, माहौल। ओके सर, इसका हेड ऑफिस कहाँ है बेटा? राजस्थान में है, जो रजिस्टर्ड है जीएसटी में बेटा, माहौल। सर, इट प्राइमरीली सेल्स टू प्रोडक्ट्स इन दी मार्केट विच आर एज अंडर, प्रोडक्ट ए विच इज टैक्सेबल एट 18%, प्रोडक्ट बी विच इज टैक्सेबल एट 28%। माहौल दोनों टैक्सेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रॉम हेड ऑफिस इट मेक्स सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर्स रिसीव फ्रॉम डीलर्स एंड इट्स ब्रांचेज। ओके टोटल सेल्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फेब्रवरी इज एज बिलो। ओके ठीक है साहब, इंटरेस्टेड दे रखा है प्रोडक्ट ए का, इंटरेस्टेड भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट बी का भी इंटरेस्टेड और इंटरेस्टेड सप्लाई दे रखा है बेटा। ओके सरकार, माहौल। द कंपनी ट्रांसफर्ड प्रोडक्ट ए टू इट्स ब्रांच सिचुएटेड मुंबई फॉर रुपीज 10 लैक्स। ओके इनकी ब्रांच जो मुंबई में है उसको इसने राजस्थान से गुड्स ट्रांसफर किया, तो डेफिनेट सी बात है साहब डिस्टिंग पर्सन है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में तो डेफिनेट सी बात है अलग रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा, और डिस्टिंग पर्सन को आपने गुड सप्लाई किया तो सप्लाई होता है, पर यहाँ पे इसने कंसिडरेशन चार्ज किया कितना, ₹10 लाख। तो यहाँ वैल्यूएशन रूल की बात आएगी, रूल नंबर 28, और अगर रेसिपिएंट को फुल आईटीसी मिलता है तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते बेटा, याद है? माहौल देखते हैं, द ओपन मार्केट वैल्यू आपने ₹10 लाख चार्ज किया बेटा, द कंपनी ट्रांसफर प्रोडक्ट ए टू इट्स ब्रांच लोकेटेड इन मुंबई, और सर आपको प्रोडक्ट ए के लिए जब डेटा दिया था इंटरेस्ट सप्लाई का 50 लाख का बॉक्स में, तो वो है इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर, तो ये अमाउंट ऑलरेडी उसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके द ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट ए वॉज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, बट द गुड्स ऑफ लाइक काइंड एंड लाइक क्वालिटी वर सोल्ड एट ₹12 लाख, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ए इज ₹8 लाख, फर्दर द ब्रांच ऑल्सो डील्स इन प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी ओनली। बेटा आपका जो ब्रांच है वो भी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी ही बेचता है, तो जब गुड्स खरीदा मतलब ब्रांच से आया और सेम गुड्स आप बेचोगे तो सर मुंबई ब्रांच को भी जीएसटी लगेगा बेटा, अब सेल पे जीएसटी लगता है तो परचेज में जो भी जीएसटी पे किया उसका फुल आईटीसी मिलता है, और आपको पता है अगर डिस्टिंक्ट पर्सन को फुल आईटीसी मिलता है तो जो आपने एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू बिल पे लिखा है जो 10 लाख है वही हमारे लिए ओपन मार्केट वैल्यू होती है बेटा। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, कॉस्ट ऑफ लाइक एंड लाइक क्वालिटी से भी मतलब नहीं है बेटा। देखते आगे एमसीक्यू में क्या पूछता है बेटा, द कंपनी परचेजेस इट्स रॉ मटेरियल वर्थ ₹60 लाख टैक्सेबल एट 18% फ्रॉम फॉर प्रोडक्ट ए फ्रॉम अ सप्लायर लोकेटेड एट हरियाणा। ओके एन इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थ ₹40 लाख टैक्सेबल एट ₹8 28% फॉर प्रोडक्ट बी फ्रॉम यूएसए बेस्ड वेंडर। ओके तो सर यूएसए से परचेज किया है, इंपोर्ट किया है 40 लाख का इनपुट जिसपे 28% टैक्स पे किया हुआ है इन्होंने जो प्रोडक्ट बी में काम आया, और 60 लाख का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया हरियाणा से इंटरेस्टेड अगेन जिसपे 18% जीएसटी लगता है सर। ओके ठीक है साहब, ये आपका केस स्टडी खत्म हो गया, इसमें आप देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। बेस्ड ऑन द अबव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके सर, फर्स्ट व्हाट शैल बी द जीएसटी पेड बाय मेसर्स एसवी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। ओके इसको कितना जीएसटी पे करना है थ्रू कैश लेजर, ये हमसे पूछा है बेटा। ओके सर, हम एक काम करते हैं, इसकी जो सप्लाई थी उस पर लाइबिलिटी कितना था वो देखते हैं, और आईटीसी कितना मिला वो देख लेते हैं, नेट पता पड़ जाएगा। सर आइए स्क्रीन पर देखिए बेटा आप लोग, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1
उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं बच्चों, माहौल जबरदस्त। सर सबसे पहली बात आप देखिए, आप ऐसा कर लीजिए, यहां पे एक टेबल बनाइए आप, ओके सर, यहां पे पार्टिकुलर्स राइटिंग समझ में आ रही है क्या मेरी आपको? माहौल एकदम राइटिंग जबरदस्त वाली मेरी। सर यहाँ पे IGST लाइबिलिटी, यहाँ पे लिखिए CGST एंड SGST रेस्पेक्टिवली, ओके सर। इंटर स्टेट, अब प्रोडक्ट ए की बात हम पहले कर लेते हैं बेटा, प्रोडक्ट ए को इसने इंटर स्टेट सेल किया है 50 लाख का इंक्लूडिंग ब्रांच ट्रांसफर, और ब्रांच ट्रांसफर जो किया है वो मुंबई ब्रांच को किया है जिसको फुल ITC मिलता है क्योंकि सेम गुड्स आगे बेचता है। तो ऐसे केस में सर जो 10 लाख रुपीज़ इसने वैल्यू लिखा है वही ओपन मार्केट वैल्यू है, वही वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, मतलब 50 लाख जो वैल्यू वही एक्चुअल लेना है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना अपने को। तो प्रोडक्ट ए के केस में रेट ऑफ GST इज 18%, रेट ऑफ GST इज 18%, सो 50 लाख सरकार इंटर स्टेट कर रहे हैं पहले, 50 लाख मल्टीप्लाई बाय 18%, तो 9 लाख इज द लाइबिलिटी ऑफ IGST। ये सब कैलकुलेशन को रफ में करना है बेटा, क्योंकि एग्जामिनेशन अगर MCQ क्वेश्चन पूछ रहा है, दे डू नॉट नीड एनी यू नो, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए उनको, कोई वर्किंग नहीं चाहिए उनको आपको, ओके। सो 9 लाख इज द लाइबिलिटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए। प्रोडक्ट बी सॉरी प्रोडक्ट ए का अगेन इंटरस्टेट सेल था 50 लाख का, तो 50 लाख का इंटरस्टेट सेल के केस में लाइबिलिटी आ जाएगा कितना? सर ये तो हो गया इंटर, अब आ रहा है क्या इंट्रा, लाइबिलिटी आएगी 9% के हिसाब से कितना? 4,50,000 एंड 4,50,000 रेस्पेक्टिवली CGST एंड SGST, वेरी गुड, ओके सर ये आपकी लाइबिलिटी होगी साहब। देन ये प्रोडक्ट ए, अब आ रहा है प्रोडक्ट बी, बी की लाइबिलिटी कितनी हुई सर? इंटरस्टेट सप्लाई क्या है 50 लाख का, 50 लाख 28% के हिसाब से, 50 लाख इंटू 28% सरकार 14 लाख का लाइबिलिटी IGST का आएगा, एंड इंटरेस्ट सप्लाई 30 लाख का, 30 लाख इंटू 14% करिए सर आप, 4,20,420 आपका फिगर मिला होगा सर आपको, 420 तो आपके लिए बिल्कुल लकी होता होगा ना बेटा, माहौल है ना, माहौल सर, सर ध्यान देना, ओके 4,20,000 CGST एंड SGST रेस्पेक्टिवली, दीज आर द लाइबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अच्छा अब साहब ए की लाइबिलिटी हो या बी की लाइबिलिटी हो, टोटल लाइबिलिटी कितना वो देख लेते हम लोग, ये सब रफ वर्किंग करनी है बेटा आपको। टोटल लाइबिलिटी सर इंटरस्टेट के केस में IGST लाइबिलिटी आई थी कितना? 23 लाख, ओके। अच्छा कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है ना सर? ITC का इन्फॉर्मेशन दे रखा है, परचेज पे जो टैक्स पे क्या, बाकी कोई सेल की लाइबिलिटी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ओके डन। सर 8,70,000 इज द लाइबिलिटी ऑफ CGST, 8,70,000 इज द लाइबिलिटी ऑफ SGST, माहौल। सर अब आएगा कहाँ, हम लेके आएंगे इसको ITC वाले पोर्शन को, ITC देखेंगे अगर हम, तो सर लास्ट पैराग्राफ जो दे रखा है इसका, द कंपनी परचेज इट्स रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 60 लाख एट 18% फॉर प्रोडक्ट ए। पहली बात तो देखो, प्रोडक्ट ए के लिए परचेज करो या प्रोडक्ट बी के लिए परचेज करो, आपने अगर आपके सारे आउटपुट टैक्सेबल है तो सर सारी लाइबिलिटी एक साथ, सारा ITC एक साथ, नो 1-to-1 कोरिलेशन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। आप तो कुल मिला के देख लीजिए ITC जो है वो किसका है? IGST का ITC, क्योंकि इंटरस्टेट परचेज क्या हरियाणा से, तो IGST का ITC मिलेगा आपको बेटा 60 लाख इंटू 18% IGST ITC बेटा, ओके 10,80,000, 1080 इज द ITC ऑफ IGST बेटा, ओके। देन इंपोर्टेड रॉ मटेरियल वर्थ रुपीज 40 लाख टैक्सेबल एट 28% फॉर प्रोडक्ट बी। सर प्रोडक्ट बी के लिए हो या ए के लिए हो, दोनों टैक्सेबल है, सारा ITC लेंगे, 40 लाख पे 28% IGST आपने पे किया होगा, क्योंकि इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर कस्टम के साथ में IGST भी लगता है बच्चों। तो 11,20,000 इज द ITC का अमाउंट, अगेन IGST इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर। तो सर टोटल ITC हो गया कितना? कलर पिंक ले रहा हूं, चलो पिंक कलर बहुत सर बच्चों को मजा भी आता है सर, टोटल ITC सर 22 लाख सर आया, ओके सर 22 लाख इज द टोटल ITC। अच्छा बच्चों अब देखें लाइबिलिटी कितना है,
23 लेकर लाइबिलिटी किसका है, आईजीएसटी का। और आपको पता है सबसे पहले आईजीएसटी का आईटीसी, क्योंकि आपका सी और एस का कोई आईटीसी नहीं है, कोई आईटीसी नहीं, कोई ओपनिंग बैलेंस वगैरह नहीं दे रखा इसने। तो सर सिंस सीजीएसटी और एसजीएसटी का कोई आईटीसी आपके पास है ही नहीं, आपके पास आईटीसी 22 लेकर वो भी किसका, आईजीएसटी का। तो 22 लेख जो आईजीएसटी आईटीसी आपके पास है वो सबसे पहले काम आएगा किसके लिए, आईजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए। तो आईजीएसटी लाइबिलिटी कितना बेटा 23 लाख। तो सर नेट आपको आईजीएसटी पे करना पड़ेगा कितना, 1 लाख, और सीजीएसटी 870 एंड एसजीएसटी 870 आपको पे करना पड़ेगा थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। तो देखिए एमसीक्यू के ऑप्शंस देखिए बेटा आप। तो सर हम आ गए एमसीक्यू का क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट शैल बी द जीएसटी पेड बाय मेसर्स एसवी एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, आईजीएसटी 1 लाख, सीजीएसटी और एसजीएसटी 8,70,000 रेस्पेक्टिवली। परफेक्ट, तो हमारा सर फर्स्ट ऑप्शन जो ए ऑप्शन है वही करेक्ट है माहौल। इसी के साथ फर्स्ट पॉइंट खत्म होता है। अब आइए सर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। इसकी क्या, सपोज प्रोडक्ट ए इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, व्हाट शैल बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एसवी एंटरप्राइजेज। बेटा आपका प्रोडक्ट ए या प्रोडक्ट बी एग्जेम्प्ट हो या टैक्सेबल हो, एग्रीगेट टर्नओवर में तो एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों काउंट होता है बेटा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर ध्यान दीजिए बेटा एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, तो सर आप तो कुल मिला के टर्नओवर सारा ऐड कर दो, प्रोडक्ट ए का टर्नओवर भले इंट्रा हो या इंटर हो सारा ऐड होगा सर। प्रोडक्ट ए 50 लाख प्लस 50 लाख 1 करोड़, प्रोडक्ट बी 50 लाख प्लस 30 लाख कितना हो गया बेटा 80, तो 1 करोड़ 80 लाख इज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ एसवी एंटरप्राइजेस। 1 करोड़ 80 लाख मतलब हमने सारा टर्नओवर ऐड कर दिया, टैक्सेबल हो या एग्जम्प्ट हो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, प्रोडक्ट ए और बी दोनों मिला के इंटर हो या इंट्रा हो। ओके क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शैल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट ए ट्रांसफर्ड टू इट्स ब्रांच इन मुंबई। मुंबई ब्रांच को जो ट्रांसफर किया है उसका वैल्यू 10 लेख रहेगा। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमने टर्नओवर में भी इंक्लूड कर लिया, हमने वैल्यूएशन भी कर लिया सर सारा ही। ओके और हमने सर क्वेश्चन नंबर 1 में भी कैलकुलेशन किया था कि कितना लाइबिलिटी आएगा, तो 10 लेख इज द वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल ट्रांजेक्शन वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेंगे, क्योंकि मुंबई ब्रांच को आपको फुल आईटीसी मिलने वाला है, क्योंकि वो सेम गुड्स में डील करता है मतलब बेचता है, तो उसको लाइबिलिटी आएगी सेल पर, लाइबिलिटी आ रही परचेस पे टैक्स पे किया तो उसका आईटीसी मिलता है, फुल आईटीसी मिलेगा। तो एक्चुअल वैल्यू को ही ओपन मार्केट वैल्यू मान लेते हैं एज पर रूल नंबर 28। तो रूल नंबर 28 के अकॉर्डिंग ए इज द करेक्ट आंसर, 10 लाख इज द वैल्यू। माहौल अरे कोई टफ नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर आइए क्वेश्चन नंबर 4, सपोज आउट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40 लाख, रॉ मटेरियल अमाउंटिंग टू रुपीज 10 लाख वो सोल्ड टू अनदर लोकल कस्टमर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन। ओके सर आपने क्या किया, गुड्स इंपोर्ट किया और उसको बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन 10 लाख के इनपुट वाले गुड्स को आपने किसी और को बेच दिया, तो सर उस पर आपने सर 10 लाख के इनपुट वाले गुड्स को आपने किसी और को बेच दिया बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, तो आपने तो उसको एक तरह से क्लियर कराया ही नहीं, तो आपने तो उस पर कस्टम पे ही नहीं किया, क्योंकि और आपको उस पर जीएसटी पे भी नहीं करना है। क्यों नहीं पे करना बेटा, क्योंकि सर आपको पता है गुड्स कोई भी इंपोर्ट करते हो और बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर आप किसी को बेच देते हो, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3 में कवर है बेटा। तो सर ऐसे केस में सर आपने जो 40 लाख का गुड्स था उसमें तो 10 लाख के बेच दिए बेटा आपने, नेट 30 लाख के गुड्स इंडिया में आया एक तरह से बेटा, क्लियर। तो 30 लाख की गुड्स पे ही आपने 28% जीएसटी पे किया होगा बेटा। अरे सर क्योंकि जो 40 लाख वाला इंपोर्टेड इनपुट था उस पर 28% टैक्स था बेटा, तो एक तरह से 30 लाख का 28% आपने पे किया होगा बेटा, तो आपको उतना ही आईटीसी मिलेगा सर। तो 10 लाख का जो इनपुट आपने किसी को बेच दिया बिफोर क्लियरिंग फॉर होम कंजम्पशन, उसको आपने क्लियर नहीं कराया फॉर होम कंजम्पशन, तो आपने कस्टम पे नहीं किया, आपने जीएसटी भी उस पर पे नहीं किया होगा, तो उसका कोई आईटीसी बात आती भी नहीं है। सेकंड थिंग, उस पर लाइबिलिटी भी आपकी नहीं आएगी। तो व्हाट शैल बी द नेट जीएसटी लाइबिलिटी इन दिस केस। अच्छा भाई तो कुल मिला के क्या करने का, सर एक काम करो ना, हमने ऑलरेडी ये देखिए, हमने ऑलरेडी आप देखो ध्यान से, हमने क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, नेट लाइबिलिटी हमने निकाली थी बेटा। अब एक काम करो, सिंस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जब आंसर निकाला था तो 40 लेख का पूरा 28% मैंने लिया था एज आईटीसी, क्लियर। तो एक काम करो, अब अपने को 10 लाख का 10 लेख का 28% 2,80,000 इतना आईटीसी नहीं मिलेगा, क्लियर। तो सर एक काम करो, 22 लेख का टोटल आईटीसी था बेटा अपना, तो 22 लेख का टोटल आईटीसी में से 280 कम कर दो बेटा, तो सर नेट आईटीसी आपके पास आ जाएगा कितना, इंस्टेड ऑफ 22 लेख आपके पास आईटीसी का अमाउंट आ जाएगा बेटा कितना, 19,20,000। अब 19,20,000 आपके पास आईटीसी है, आपका लायबिलिटी आईजीएसटी कितना बेटा 23 लाख, तो सर नेट पेबल आईजीएसटी आएगा 3,80,000। तो 3,80,000 आईजीएसटी पेबल आएगा और 870 सीजीएसटी और एसजीएसटी पेबल आएगा। तो सर आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 380
870 दे रखा है, ऑप्शन वन ही करेक्ट हो गया बेटा इसका भी, क्लियर। सो ऑप्शन वन आईजीएसटी पे करना पड़ेगा 380, सीजीएसटी 870 एंड एसजीएसटी 870। तो सर एमसीक्यू क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो यू नीड नॉट राइट ऑल द वर्किंग नोट्स, इसलिए आप इस तरह के फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हो सो दैट आपका टाइम बचे एग्जाम्स के अंदर। बच्चों माहौल सर आइए क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं हम। इफ द पेमेंट फॉर प्रोडक्ट ए वॉज रिसीव्ड ऑन 25th of February फ्रॉम वन ऑफ द कस्टमर्स, ओके, गुड्स सप्लाइड ऑन 28th of February एंड इनवॉइस वॉज इश्यूड ऑन 3rd of March, वॉट शेल बी द टाइम ऑफ सप्लाई इन दिस केस। बेटा गुड्स के केस में आपको पता है सर एडवांस पेमेंट आता है, उसे कोई कंसर्न नहीं होता है, एडवांस के बेस पे टाइम ऑफ सप्लाई नहीं आता है गुड्स के केस में। पर हाँ गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई का पता है द डेट जब इनवॉइस आपने इशू कर दिया हो, और अगर आपने इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इशूड। और सर इनवॉइस कब इशू जाना चाहिए, जहां मूवमेंट ऑफ द गुड्स इन्वॉल्व्ड है, तो वहां पर जब आपने गुड्स रिमूव किया उस टाइम पे ही इनवॉइस इशू जाना चाहिए बेटा। तो जब आपने गुड्स बेचा, आपने गुड्स कब बेचा बेटा कस्टमर को, 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, तो उस दिन ही इनवॉइस आपका इशू जाना चाहिए था और आपने इशू किया 3rd मार्च को। तो सर जिस दिन इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए था, मतलब 28th of February इज द टाइम ऑफ सप्लाई। तो सर एस पर सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 आपका आंसर आएगा क्या, 28 फरवरी, जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है बेटा, क्लियर। सो इसी के साथ एमसीक्यू नंबर 1 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है अब। ओके सर आइए आइए बच्चों अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, सुनिएगा ध्यान से। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ सीमेंट एज वेल एज प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, ओके। On 2nd of January, it received a contract of 1000 kg cement from Pakiza Private Limited registered in Punjab. अच्छा 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 ध्यान से वापस है बेटा, दिल्ली में registered है बेटा, trading in cement as well as providing services by way of renting of commercial properties. Okay. 2nd January को इसको contract receive हुआ 1000 kg cement का from Pakiza Private Limited which is registered in Punjab. Okay. दिल्ली से पंजाब भेजना साहब। Pakiza Private Limited directed Divakar to send the consignment to Gajab & Sons रजिस्टर्ड इन गुजरात। अच्छा अच्छा बिल टू शिफ्ट बेटा, सर पंजाब वाले कस्टमर ने हमको बोल दिया क्या, आप डायरेक्ट गुजरात भेज दो माल साहब, ओके। बिल टू क्या है, पंजाब है हमारे लिए, ओके। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड प्रिपेयर द कंसाइनमेंट ऑन 4th of January एंड डिस्पेच द सेम ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम हिज वेयर हाउस इन गुरुग्राम हरियाणा। आहा, डिस्पेच कहाँ से हुआ बेटा, गुरुग्राम से हुआ है बेटा, तो हमारे लिए सप्लायर का लोकेशन गुरुग्राम माना जाएगा। अब गुरुग्राम से कहाँ जा रहा है, गुजरात जा रहा है डायरेक्ट, क्लियर। पर हमारा बिल बनेगा गुरुग्राम से क्योंकि वहां से रिमूवल हो रहा है, और बिल टू जाएगा पंजाब वाले के पास और शिफ्ट टू होगा गुजरात, तो हमारे लिए बिल टू है पंजाब, ध्यान रखना बेटा। तो पंजाब प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, आगे देखते बात क्या करते हैं बेटा। द इनवॉइस वॉज ऑल्सो इशूड ऑन 5th of January इटसेल्फ, ओके, सेम डे डिस्पैच हुआ, सेम डे इनवॉइस इशू हो गया। ऑन 7th January इट रिसीव द चेक एंड अकाउंटेंट एंटर्ड द पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन द 7th of January इटसेल्फ, ओके। हाउएवर ही प्रेजेंटेड द चेक इन द बैंक ऑन 14th of January which credited in the bank account on 15th of January, okay. In the meanwhile, on 10th of January, the rate of tax on cement was reduced from 28% to 18%. Beta, sir, 10 January ko rate of tax change ho gaya 28% se 18% ho gaya cement ke case mein, goods ke case mein beta. Isliye yahan koi impact nahi aayega kyunki aapne goods sale bhi kar diya, supply bhi ho gaya, invoice bhi issue ho gaya. हाँ है ना, और पेमेंट भले ही बाद में क्रेडिट हो बैंक अकाउंट में, कोई कंसर्न नहीं बेटा। तो ऐसे केस में सीमेंट के केस में रेट चेंज हो गया, उससे कंसर्न नहीं आएगा, 28% ही रेट रहेगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछा बेटा। ऑन इंस्पेक्शन ऑफ द गुड्स इट वाज फाउंड दैट देयर इज सम डिस्क्रिपेंसी इन सम डेफिशिएंसी इन द क्वांटिटी क्वालिटी ऑफ द गुड्स, ओके, क्वालिटी खराब थी सब कुछ, एंड देयरफॉर द डेफिशिएंट गुड्स वर रिटर्न्ड टू दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड इशूड क्रेडिट नोट फॉर द सेम ऑन 20th January, 20 जनवरी को इसने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। और आपको पता है क्रेडिट नोट जब इशू होता है तो इट शुड बी लिंक्ड विद द इनवॉइसेस, और ओरिजिनल इनवॉइस में जो रेट ऑफ टैक्स लगा होता है वही क्रेडिट नोट में लिखा जाएगा रेट ऑफ टैक्स, क्योंकि एक तरह से उसी को हम रिवर्स कर रहे हैं बच्चों। दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड लेट आउट प्रॉपर्टी एंड रिसीव्ड रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड, ओके, ऑन 10th of January। हाउएवर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड द पेमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड बाय 7th of every month, ओके। आई रिपीट पॉइंट वापस पढ़ लेते बेटा। दिवाकर ने क्या किया, प्रॉपर्टी लेट आउट करी एंड रिसीव रेंट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी फ्रॉम पाकिजा ऑन 10th January। अच्छा जनवरी का रेंट उसको 10 जनवरी को मिला, जबकि एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट शुड हैव बीन रिसीव्ड ऑन 7th of every month। जनवरी का पेमेंट है तो 7 जनवरी तक आ जाना चाहिए था, इस तरह का इनका डील है बेटा। ओके देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा बेटा। बेस्ड ऑन द अबव सिनेरियो दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड वॉन्ट यू
वॉन्ट्स टू सीक योर एडवाइस ऑन दी फॉलोइंग इशू. आह, अपने से एडवाइस लेना है माहौल सर, एडवाइस लेना है, एडवाइस देनी शानदार वाली, आपको ध्यान रखना. क्लियर? भाग नहीं जाए कस्टमर अपने से. सर फर्स्ट क्या है? वॉट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ 1000 kg ऑफ सीमेंट? सर 5 जनवरी को इसने क्या किया था, गुड्स डिस्पैच किए थे और 5 जनवरी को इसने बिल इशू कर दिया था बेटा, सेम डे, है ना? यस. अब 7 जनवरी को चेक आया, उसने बैंक में डाला, बाद में क्लियर हुआ, कोई कंसर्न नहीं है. 5 जनवरी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा और 5 जनवरी की रेट ऑफ टैक्स जो 28% था वही लगेगा बेटा. क्लियर? बाद में पेमेंट कब क्रेडिट हुआ उसे कंसर्न नहीं है, क्योंकि सप्लाई भी हो गया और इन्वॉइस भी इशू हो गया, तो ऐसे केस में टाइम ऑफ सप्लाई वही कंसिडर करते हैं. और सर 28% याद है बसंती जयविरू सर, तो 5 जनवरी और 28% ए इज द करेक्ट आंसर. माहौल, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रेट ऑफ टैक्स टू बी चार्ज्ड इफ पेमेंट इज क्रेडिट इनटू बैंक अकाउंट ऑन 12th of January इटसेल्फ? सर टाइम ऑफ सप्लाई और रेट ऑफ टैक्स में कोई फर्क नहीं आएगा, भले 12th January को पेमेंट आए या कभी भी पेमेंट आए, क्योंकि सर सप्लाई भी हो चुका, इनवॉइस भी इशू हो चुका. तो सर बसंती सप्लाई है, इनवॉइस जय है, बसंती के साथ जय है, जय की बात मानी, बात खत्म. पेमेंट का भी ऐसा कंसर्न नहीं है, तो अगेन सेम आंसर रहेगा 5th January 28%, सो ए इज द करेक्ट आंसर अगेन. अगर ये सर्विसेज होती तो भी सेम आंसर होता बेटा. क्लियर? ध्यान रखना बेटा, क्योंकि सप्लाई भी हो गया और इनवॉइस भी इशू हो गया बिफोर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, तो बात खत्म बेटा. What will be the rate of tax to be charged for the credit note issued in respect of deficient goods? सर हमने बात कर ली, क्रेडिट नोट जो हमेशा इश्यू होता है वो ओरिजिनल इन्वॉइस को लिंक करके ही इश्यू होता है, तो ओरिजिनल इन्वॉइस में जो टैक्स चार्ज क्या होगा, वही टैक्स चार्ज होगा किसमें, क्रेडिट नोट में भी. तो ओरिजिनल इन्वॉइस में 28% टैक्स था, तो क्रेडिट नोट में भी कितना आएगा, 28% आएगा बेटा. सो ए इज द अगेन करेक्ट आंसर बेटा. आइए क्वेश्चन नंबर 4. What is the place of supply in respect of transaction between Divakar Private Limited and Pakiza Private Limited? एंड पाकिजा प्राइवेट लिमिटेड एंड गजब एंड सन्स. ओके, बिल टू शिफ्ट मॉडल था बेटा, आपने हरियाणा से गुड़ से मूव किया था बेटा, है ना? एक बार वापस चेक कर लो बेटा, आपका वेयर हाउस क्या था बेटा, गुरुग्राम हरियाणा, और गुड्स आपने भेजी थी डायरेक्ट गुजरात, पर बिल टू था पंजाब का. तो हमारे लिए हरियाणा से पंजाब, हमारे लिए हरियाणा से पंजाब गुड्स गया है, तो सर बिल टू पंजाब है बेटा. गुड्स भले डिलीवर का हुआ है गुजरात, पर बिल टू जो होता है वही प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कस्टमर इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर द सप्लायर इन केस बिल टू शिफ्ट मॉडल होता है. तो ऐसे केस में पंजाब इज द प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर फर्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा. क्लियर? एंड सेकंड ट्रांजेक्शन पाकिजा ने जब बेचा होगा गुजरात वाले पर्सन को, तो ऐसे केस में गुजरात इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द गुड्स और मूवमेंट जहां टर्मिनेट होता है वो प्लेस ऑफ सप्लाई होता है. सेक्शन नंबर 12 सेक्शन नंबर सर 11 of 10 ऑफ द IGST एक्ट बेटा. हाँ है ना बेटा? माहौल सर आइए, तो सर फर्स्ट के केस में पंजाब और सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई है गुजरात, तो पंजाब गुजरात जहां लिखा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा. पॉइंट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, दिवाकर प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट इशूइंग एनी इनवॉइस इन रेस्पेक्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टीज, व्हाट शिल बी द लास्ट डे ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस? बेटा ध्यान रखना, रेंटिंग ऑफ इम्यूबल प्रॉपर्टी इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, और जब भी कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है तो आपको पता है इन्वॉइस कभी इशू करना पड़ता है, वहां 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है. कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता है. तो अगर पेमेंट करने का ड्यू डेट फिक्स होता है एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो इस केस में फिक्स है 7th of the month, तो पेमेंट करने का ड्यू डेट जब फिक्स होता है तो जिस दिन वो ड्यू डेट आता है उस दिन या उससे पहले इन्वॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था. तो सर 7th January शुड बी द डेट ऑन विच इन्वॉइस शुड हैव बीन इश्यूड. द लास्ट डेट फॉर इश्यूएंस ऑफ इन्वॉइस इज 7th of January, सो बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, 7th January बेटा. क्लियर? अब इसने एक्चुअली कब पेमेंट रिसीव किया? सर एक्चुअली रिसीव किया 10th January, उससे कंसर्न नहीं है. क्लियर? जो ड्यू डेट होता है पेमेंट का वो दिन ही या उससे पहले आपका इन्वॉइस इश्यू हो जाना चाहिए. तो लास्ट डेट क्या होगा? 7th January होगा इस केस में. कंटिन्यू सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में 30 दिन का वक्त नहीं मिलता बेटा. क्लियर? डन. सर ये क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हो गया आपका. आई होप इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, आराम से हो गया, माहौल एकदम जबरदस्त. सर केस स्टडी बेस MCQs इस तरह के ही आएंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं हुई है, आराम से पढ़ो सर. ओके? और मैंने आपसे पहले भी कहा था, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ, तो यू विल नेवर गेट डिफीट इन द एग्जाम्स और एनी मोमेंट इन द लाइफ. क्लियर? सो बी कॉन्फिडेंट. माहौल सर क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, ट्रू है साहब? सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ITIs, मतलब सर क्या सर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट याद है क्या सर? ध्यान देना बेटा, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो ITI
सर वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स को वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स में था बेटा ये ध्यान देना, ये एग्जाम जीएसटी से। सर्विसेज प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स टू इंडिविजुअल ट्रेनिंग आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, करेक्ट। सेकेंड, सर्विसेज प्रोवाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पेशेंट इन एम्बुलेंस आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, यस एम्बुलेंस सर्विस कोई भी दे एग्जाम है साहब। थर्ड, सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ शॉप इन अ हॉस्पिटल आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बींग हेल्थ केयर सर्विस। अरे दुकान किराए पर देना क्या हेल्थ केयर सर्विस के स्कोप में आता है? भले हॉस्पिटल के अंदर हो या कहीं भी हो, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, ये हेल्थ केयर सर्विस में नहीं आएगा बेटा। तो ये स्टेटमेंट गलत है साहब। फर्स्ट सही है, सेकेंड सही है, फोर्थ देखते हैं। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर टैक्सेबल, यस सर मैंने आपको सर्कुलर दे रखा बुक के अंदर बेटा, मेगा एग्जिबिशन जहाँ खत्म होता है गवर्नमेंट सर्विस जहाँ खत्म होती दिया मैंने ये पॉइंट, यस दोज आर टैक्सेबल, करेक्ट है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 एंड 4 आर करेक्ट, 1, 2 एंड 4, ओके। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट में 1, 2 एंड 4 लिखा है सर। माहौल सर कई बार ध्यान रखना, एग्जाम्स के अंदर आपसे ये पूछता है विच वन आर नॉट करेक्ट या विच वन आर करेक्ट, तो कई बार क्या कंफ्यूजन होता है कि अपने को क्या लिखना है। आंसर ध्यान रखिएगा बेटा, वेयर द नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी डिटरमाइंस दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन हैज नॉट पास्ड ऑन द बेनिफिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट टू द रेसिपिएंट बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइस, द अथॉरिटी में ऑर्डर फॉर रिडक्शन इन प्राइस, यस। इम्पोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब पेनल्टी, बिल्कुल यस। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, यस कर सकता है सर। विच ऑफ द अबव ऑप्शन आर करेक्ट, ऑल द थ्री अबव ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑल द थ्री अबव किस में लिखा है बेटा, ऑप्शन में बी में लिखा है, करेक्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस इज नॉट अलाउड अंडर सेक्शन नंबर 138 ऑफ द सी जी एस टी एक्ट, फर्स्ट कंपाउंडिंग कहाँ कहाँ अलाउड नहीं है। फर्स्ट, अ पर्सन हु हैज बीन अलाउड टू कंपाउंड वंस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन क्लॉज नंबर ए टू एफ ऑफ सेक्शन नंबर 132(1) ऑफ द सी जी एस टी एक्ट, यस इनमें कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती बेटा, जिसको एक बार इन सेक्शन में इन क्लॉजेज में एक बार जिसको कंपाउंडिंग करते बाद में अलाउड नहीं होती है, करेक्ट है ये भी। सेकेंड, अ पर्सन हु हैज़ बिन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर जी एस टी लो बाय अ कोर्ट, जो एक बार कन्विक्ट हो चुका है उसके बाद में वापस से कंपाउंडिंग अलाउड नहीं होती है, ओके। थर्ड, अ पर्सन हु हैज़ बिन अक्यूज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर जी एस टी लो विच इज ऑल्सो एन ऑफेंस अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, यस इसमें भी कंपाउंडिंग नहीं होती है। मतलब सर तीनों केस सही है, तो डी बोलता है कि ऑल द केसेज कवर्ड इन ए बी एंड सी अबव, यस तो डी इज द करेक्ट आंसर बेटा। माहौल डन, एक मार्क मिल गया बेटा आपको। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर थोड़ा डिस्प्यूटेड बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिस्ट्रॉयड गुड्स अंडर सेक्शन नंबर 23 ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962। सर आपको पता है अगर बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है बिफोर रिमूवल फॉर होम कंजम्पशन विदाउट एनी मिस्टेक और नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ इंपोर्टर और हिज एजेंट, तो ऐसे केस में कोई कस्टम पे करने की जरूरत नहीं, रेमिशन मिल जाएगा और कस्टम पे कर दिया तो उसका रिफंड मिल जाएगा बेटा आपको, हाँ है ना, ओके पढ़िए सर। Which of the following statement is correct for destroyed goods under section number 23 of the Customs Act? It is only applicable in case of total loss of goods even if the same can be recovered. Nahi sir, it should not be recoverable beta. Clear? So statement number 1 A is incorrect. The importer is not required to pay duty on such goods. Sahi hai, par beta answer thoda disputed de rakha hai. Aap isko thoda correct kar lijiye, mere opinion mein correct karna chahiye aapko beta. B jo likha hai, the importer is not required to pay duty on such goods and even if it is paid then it should be remitted, it will be remitted, ye answer hai par ye bhi correct hai beta, then rakhiyega iska answer disputed hai. C bolta hai kya, the provisions are also applicable even if goods are destroyed after warehousing, yes before clearance for home consumption agar destroy hota hai even if it is warehoused in the custom bonded warehouse to bhi remission milta hai sir, to ye bhi correct hai sir. D bolta the importer need not prove loss to the proper officer, sir again सर ये क्या है बेटा, द इम्पोर्टर निड नॉट प्रूव द लॉस टू द प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर लॉस तो प्रूव करना पड़ेगा बेटा अपने को, क्लियर। तो सर ऐसे केस में इस क्वेश्चन में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द डिस्ट्रॉयड गुड्स, अब करेक्ट कौन सा है, मेरी ओपिनियन में बी और सी दोनों क्या है करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा, क्लियर। पर आंसर आई सी ने जो दिया है वो सी दिया है, अगेन इट्स अ डिस्प्यूटेड मैटर, पर मेरी ओपिनियन में बी और सी बोथ शुड बी द करेक्ट आंसर बेटा, ओके आइए पॉइंट नंबर 7 क्या बोलता है बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इंपोर्टर कैन क्लेम पिल्फरेज एंड चूज नॉट टू पे ड्यूटी अंडर सेक्शन 13 ऑफ द कस्टम्स एक्ट, ओके सर सेक्शन 13 बोलता है पिल्फरेज, और पिल्फरेज अगर प्रूव हो गया तो कस्टम पे करने की जरूरत नहीं है, ओके। गुड्स पिल्फर्ड वाइल ऑन, अच्छा पिल्फरेज की बात कब आती है, व्हेन गुड्स आर अनलोडेड एंड गुड्स आर इन द कस्टडी ऑफ कस्टोडियन, तो उसको बोलते हैं पिल्फर्ड गुड्स बेटा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इंपोर्टर कैन क्लेम पिल्फरेज,
एंड चूज नॉट टू पे ड्यूटी अंडर सेक्शन 13. सेक्शन 13 पिल्फरेज कभी मानते हैं जब कस्टोडियन के पास होता है गुड्स. तो गुड्स पिल्फर्ड वाइल ऑन हाई सीज, सर इसके लिए सेक्शन 13 अप्लाई नहीं होता. आप 23 का बेनिफिट ले सकते हो बेटा, सेक्शन 23 रेमिशन ड्यूटी का बेनिफिट ले सकते हो. तो फर्स्ट गलत है सर. गुड्स पिल्फर्ड बिफोर अनलोडिंग, नहीं गलत. सर थर्ड है क्या, गुड्स पिल्फर्ड आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर ऑर्डर फॉर होम कंजम्पशन गिवन बाय प्रोफेसर, यस. गुड्स क्लियर फॉर होम कंजम्पशन, नहीं सर. तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर. तो ओनली 3 दे रखा है आपको, आंसर नंबर डी ने, ऑप्शन नंबर डी ने, डी इज द करेक्ट आंसर बेटा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज कैन एन इंपोर्टर क्लेम अबेटमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर सेक्शन 22 ऑफ द कस्टम्स एक्ट. ओके सर, अबेटमेंट कहाँ मिलता है, अगर गुड्स डैमेज हो गई तो बेटा. अच्छा बच्चों याद ध्यान रखना, एमटीपी के अंदर जब ओरिजिनल एमटीपी आईसीआई ने इशू किया था मई 20 सीरीज के लिए, उसमें एक वर्ड गलत लिख दिया था उन्होंने बेटा, जिसको अभी जो आप आईसीआई की वेबसाइट पर चेक करेंगे तो उन्होंने वर्ड करेक्ट कर लिया है. आप भी अपनी जो बुक है, अगर आपके पास मेरी वाली बुक है जो 20th एडिशन के साथ क्वेश्चन आ रहा है, उसमें करेक्ट कर दो वर्ड को. ऑप्शन नंबर 4 के अंदर एक करेक्शन है, गुड्स डेटोरेटेड लिखा है, उसको डैमेज्ड वर्ड कर दीजिए, डेटोरेटेड कार्ड के डैमेज कर दो, क्योंकि आपको पता है डेटोरेशन के केस में अबेटमेंट नहीं मिलता बेटा, डैमेज के केस में मिलता है. तो ये टाइपिंग एरर हो गया था जिसको आईसीआई ने करेक्ट भी कर लिया बेटा. अभी आईसीआई की वेबसाइट पे आप मॉक टेस्ट पेपर देखेंगे मई 20 का, तो इसमें डैमेज्ड वर्ड ही मिलेगा बेटा आपको. ओके तो सर सेक्शन नंबर 22 में अबेटमेंट किन किन केस में मिलेगा, हमारा पॉइंट नंबर 1 बोलता है क्या, गुड्स पिल्फर्ड ड्यूरिंग अनलोडिंग. बेटा पिल्फर केस में अबेटमेंट नहीं. गुड्स डैमेज्ड बाय एक्सीडेंट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर, बेटा देखना इट शुड बी विदाउट नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर और हिज एजेंट. तो सेकंड पॉइंट भी गलत है बेटा. गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, डिस्ट्रॉय के केस में सर रेमिशन मिलता है 23 का, अबेटमेंट नहीं. फोर्थ, गुड्स डैमेज्ड बाय एक्सीडेंट नॉट ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ द इंपोर्टर आफ्टर अनलोडिंग बट बिफोर एग्जामिनेशन फॉर असेसमेंट बाय कस्टम अथॉरिटी. सो पॉइंट नंबर 4, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर बेटा. हाँ है ना, सो ओनली 4 है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन ए इज करेक्ट बेटा. माहौल सर आइए क्वेश्चन नंबर 9. इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन इज क्लासिफाइबल अंडर फॉलोइंग. ओके हेडिंग नंबर 8510 शेवर्स एंड हेयर क्लिपर्स विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर्स. ओके सेकंड हेडिंग है 8509 इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंसेज विथ सेल्फ कंटेन्ड इलेक्ट्रिक मोटर बेटा. ओके अब इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन किस में क्लासिफाई होगा सर, एज पर रूल ऑफ क्लासिफिकेशन इलेक्ट्रिक शेविंग मशीन शुड बी क्लासिफाइबल अंडर. आपको पता है बेटा, वेन एवर एनी गुड्स आर क्लासिफाइबल अंडर मोर देन वन हेडिंग देन स्पेसिफिक हेडिंग शेल ऑलवेज प्रिवल ओवर जनरल हेडिंग. अब ऐसे केस में देखिए बेटा आप, सर 8510 जो दिया हुआ है वो शेवर्स और हेयर क्लिपर्स, ये स्पेसिफिकली शेवर्स के लिए दिया बेटा, और 8509 जो है वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल डोमेस्टिक अप्लायंस, इसमें बहुत सारे ये जनरल हेडिंग हो गए बेटा, क्योंकि कोई भी डोमेस्टिक अप्लायंस 8509 में आ सकता है, पर 8510 इज स्पेसिफिकली फॉर शेविंग मशीन. तो सर ऐसे केस में 8510 में क्लासिफाई होगा, क्योंकि स्पेसिफिक हेडिंग शेल ऑलवेज प्रिवेल ओवर जनरल हेडिंग एज पर रूल नंबर 3 सब रूल नंबर ए ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन बेटा. माहौल सर, सो 8510 ए इज द करेक्ट आंसर बेटा. माहौल डन. तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे खत्म हो गए बेटा. आइए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सर. आइए क्वेश्चन नंबर 1. अच्छा ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में जब क्वेश्चन अटेंड आप करते हो, देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 70 मार्क के हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन 30 मार्क के हो गए. अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है देखो, ऊपर हेडिंग पढ़िए आप. क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चन बेटा. आपको हमेशा इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ने चाहिए, सो दैट कहीं गलती ना हो जाए आपसे. पता पड़ा लोगों से 4-5 क्वेश्चन ही हो रहे, आप 6-6 क्वेश्चन करके आ गए. सर आपको रिमेनिंग 5 में से 4 ही करने, पर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी. ओके देखते मेसर्स XYZ रजिस्टर्ड सप्लायर सप्लाइज द फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड कॉम्प्लेक्सेज. एक्सकेवेटर फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर अ रेट. शायद फर्स्ट लाइन पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा, सेम क्वेश्चन बुक में दे रखा है, एब्सोल्युटली सेम क्वेश्चन है ना, और सेम क्वेश्चन के बेस में मैंने दूसरा क्वेश्चन बनाया हुआ सर आपको. तो 2 क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हो, आ गया रिपीट करके कॉपी किया है सर MCQ में MTP में. सर देखते हैं सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं सर, पढ़ लो फिर भी सर, हम चाहते हैं कि इसको सोल्व कर ले बेटा. एक्सकेवेटर्स फॉर रिक्वायर्ड पीरियड एट पर रेट, मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ द एक्सकेवेटर एट अ पर डे रेट, सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन एट अ पर सैंपल रेट. ओके कोई रिलेवेंस ही नहीं आएगा इसका बेटा, आगे देखना. द एक्सकेवेटर्स आर इनवेरिएबली हायर्ड आउट अलॉन्ग विद द ऑपरेटर बेटा. सिमिलरली एक्सकेवेटर ऑपरेटर आर ऑल्सो आर सप्लाइड ओनली वेन द एक्सकेवेटर इज हायर्ड आउट बेटा. ओके मतलब सर कंपोजिट सप्लाई बेटा, एक्सकेवेटर आप अगर देते हो हायरिंग पर तो अलोंग विथ
ऑपरेटर ही जाएगा बेटा, क्लियर। मतलब बिना ऑपरेटर के आप एक्सकेवेटर नहीं देते हो, और ऑपरेटर को भी आपने तभी अलाउ किया है सर काम करने के लिए जब एक्सकेवेटर भी पर्सन हायर पे लिया है। मतलब जो भी इनके लिए अमाउंट चार्ज किया होगा ये हमेशा कंपोजिट सप्लाई में आएगा, अगर अमाउंट सेपरेट भी दे रखा है दोनों को क्लब करना है। और इसमें एसेंशियल एलिमेंट क्या है, ऑपरेटर को भेजना नहीं, ऑब्वियस बात है एक्सकेवेटर हायरिंग आउट इज प्रिंसिपल एलिमेंट बेटा, तो इसमें क्लास फाइव होगा बेटा। ओके, मेसर्स एक्स वाई जेड रिसीव्स द फॉलोइंग सर्विसेज, एनुअल मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर एक्सकेवेटर, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑपरेटर ऑफ द एक्सकेवेटर। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का क्रेडिट तभी मिलेगा जब किसी लोन ने ऑब्लिगेटरी किया बेटा आपके लिए। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन को, इन्फॉर्मेशन दिया गया। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन। ओके, फॉर अ गिवन मंथ, अब मेन बात तो यहाँ से शुरू हो रही है सर। फॉर अ गिवन मंथ द रिसीट्स एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऑफ मेसर्स एक्स वाई जेड आर एस फॉलोज। ओके, हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर दे रखा है 18 लाख रुपी, सर्विस चार्जेस फॉर सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर ऑपरेशन ऑफ एक्सकेवेटर दे रखा है 20,000 रुपीज। बच्चों आपको पता है ऑपरेटर ऑफ एक्सकेवेटर एक्सकेवेटर के साथ ही सप्लाई होंगे, कंपोजिट सप्लाई है। अब दोनों का अलग से चार्ज भरी लिखा है इसने, फिर भी पूरा कंपोजिट सप्लाई मानेंगे और प्रिंसिपल एलिमेंट हो जाएगा कौन सा, हायर चार्जेस फॉर एक्सकेवेटर। और आपको पता है ऑपरेटर को अलग से कभी भी इन्होंने सर सप्लाई नहीं किया है, इन्होंने डायरेक्ट हायर जब एक्सकेवेटर हायरिंग पे जाता तभी ऑपरेटर जाता है बेटा, क्लियर। तो पूरा 18,20,000 इज द वैल्यू सप्लाई फॉर हायर चार्जेस ऑफ एक्सकेवेटर बेटा। देन सर्विस चार्जेस फॉर सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन एट 3 साइट्स 2,50,000। ओके, द जीएसटी पेड ड्यूरिंग द सेड मंथ ऑन सर्विसेज रिसीव्ड बाय मेसर्स एक्स वाई जेड इज एज फॉलोज। इसने परचेस पे जीएसटी इतना पे किया। ओके, अपने देखना है, कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय मेसर्स एक्स वाई जेड फॉर द गिवन मंथ, अज्यूम जीएसटी रेट टू बी एज अंडर हायरिंग आउट ऑफ एक्सकेवेटर रेट है कितना 12%, सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस एंड सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन सर्विस 18%। अच्छा, सप्लाई ऑफ मैन पावर सर्विस तो रिलेवेंट ही नहीं क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई में क्लब हो गया है हायरिंग ऑफ एक्सकेवेटर के अंदर बेटा। ओके, तो सर रेट ऑफ टैक्स दे रखा है, तो एक काम करते हैं पहले हम लाइब्रेरी निकालते हैं बेटा, हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व। सर हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी की पहले, तो एक्सकेवेटर जो आपने हायरिंग पे दिया है सर, एक्सकेवेटर जो आपने हायरिंग पे दिया है उस पर लाइबिलिटी कितना आएगी बेटा, हमने देखा था रेवेन्यू उसका कितना है 18 लाख, प्लस जो चार्जेस है ऑपरेटर के 20,000 वो भी ऐड हो जाएगा बेटा, तो 18,20,000 इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर एक्सकेवेटर हायरिंग। रेट ऑफ टैक्स ऑन एक्सकेवेटर हायरिंग इज 12%। ओके सर, तो एक काम करते हैं 18,20,000 मल्टीप्लाई बाय 12%, तो सर 2,18,400 इज द लाइबिलिटी ऑन एक्सकेवेटर हायरिंग बेटा। ओके, सर्विस चार्जेस फॉर सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन एट 3 साइट्स इज ₹2,50,000। ओके, 2,50,000 इज द सर्विस चार्जेस फॉर सोइल टेस्टिंग, तो 250 इज द वैल्यू। रेट ऑफ टैक्स ऑन द सर्विसेज इज 18%, तो 2,50,000 इंटू 18% बेटा होता कितना 45,000। ओके, सो 45,000 ऐड करेंगे 2,82,18,400, टोटल लाइबिलिटी आ गई कितनी बेटा 263,400 इज योर टोटल लाइबिलिटी। ये आपकी टोटल लाइबिलिटी आ गई बेटा। ओके, अब आईटीसी देख लेते बेटा, द जीएसटी पेड ड्यूरिंग द सेड मंथ ऑन द सर्विसेज रिसीव्ड बाय मेसर्स एक्स वाई जेड इज इज अंडर एनुअल मेंटेनेंस फॉर एक्सकेवेटर 1,00,000 रुपी, ये जीएसटी पेड बेटा डायरेक्ट, तो 1,00,000 आईटीसी मिलेगा, एलिजिबल आईटीसी कहीं ब्लॉक रेट में कवर नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सेकेंड, मैं रफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आपको फेयरली करना है इसको, ध्यान रखिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर एक्सकेवेटर ऑपरेटर 11,000, पर बेटा क्वेश्चन आगे देख लेना, एक बार इसको पेंडिंग रखते देख लेंगे, अगर आगे क्वेश्चन दिया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस इज ऑब्लिगेटरी बाय लॉ तो क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो क्रेडिट नहीं मिलेगा बेटा, अभी हम क्रेडिट नहीं ले रहे, देखते आगे कहीं लिखा गया कुछ। साइंटिफिक एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी फॉर सोइल टेस्टिंग एंड सिस्मिक इवेल्युएशन ₹1,00,000, यस इसका भी आईटीसी मिलेगा साहब, कोई दिक्कत नहीं मालिक। बस कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल बाय मेसर्स एक्स वाई जेड फॉर द गिवन मंथ, अज्यूम द जीएसटी रेट टू बी एज अंडर, नोट दिया लास्ट में, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी ऑफ जीएसटी इज निल, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं बेटा, और सर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, मतलब वो ब्लॉक क्रेडिट में कवर है और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, मतलब टोटल आईटीसी होगा कितना कितना बेटा 2,00,000 का। अब सर 263,400 आपकी लाइबिलिटी है, 2,00,000 का आईटीसी है, तो नेट पेबल कितना आएगा सर 63,400 इज द आंसर बेटा। ओके बच्चों, क्लियर, डन। सर 14 मार्क में दिया है एमटीपी ने, सर बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था, बट यस वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। आइए माहौल, सर
क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर टू की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट ए। अब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर टू से लेकर आगे लास्ट तक ये जितने भी क्वेश्चन है उनमें से पांच में से आपको चार क्वेश्चन करने बेटा, पर हम यहां तो ऑब्वियसली बात है पांचों सॉल्व करेंगे सर। पी क्यू आर कंपनी लिमिटेड रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ बेंगलुरु कर्नाटका इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स। ओके, कर्नाटका का बेटा ये, कभी गए हो कर्नाटका बेटा? बेंगलोर शानदार जगह है बेटा, मैं भी नहीं गया हूँ। ओके सर, द कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू जीएसटी पेड ऑन इनपुट सप्लाईज ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके सर, आपने जो इनपुट सप्लाई भी जीएसटी पे किया उसका इन्फॉर्मेशन दे रखा बेटा। एक बार हम क्वेश्चन के एंड में देख लेते बेटा कि आखिर जिंदगी में हमसे चाहता क्या है ये, सो दैट क्वेश्चन पूरा पढ़े फिर सोल्यूशन शुरू करें। हम एक बार देख लेते क्वेश्चन चाहता क्या हमसे। बॉक्स के बाद अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी, ठीक है साहब। सर लास्ट में लिखा है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल विथ द नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर योर कंक्लूजन फॉर ईच आइटम। ईच पॉइंट है ना बेटा, आइटम क्या पागल से बात कर रहा है। यू मे अज्यूम दैट ऑल द अदर कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द एलिजिबल आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। ठीक है साहब, आप अज्यूम कर सकते हो कि हमने जो भी परचेज किया वो एलिजिबल आईटीसी के एलिजिबल सप्लाई के लिए परचेज किया और सारी कंडीशन हमने फुलफिल करी है सर। ओके, मतलब कुल मिलाकर देखना किसका आईटीसी मिलना है किसका आईटीसी नहीं मिलना है, क्वेश्चन नंबर टू ए। ओके बेटा चलो एक एक पॉइंट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ओके, फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय कंपनी इन द लाइफ ऑन सॉरी इन द लाइफ क्या ऑन द लाइफ ऑफ फैक्ट्री एम्प्लॉइज एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी। बेटा लाइफ इंश्योरेंस बेटा, और फैक्ट्री के एम्प्लॉयज का अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो क्रेडिट नहीं मिलता है, एक्सेप्ट अगर किसी लोन ने ऑब्लिगेटरी किया तो एक बार के लिए मैं क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ बेटा। आगे अगर कुछ पॉइंट लिखा होगा कि लोन ने ऑब्लिगेटरी किया तो हम देख लेंगे उस टाइम क्रेडिट रिवाइज कर लेंगे इसका, अभी तो नहीं ले रहे बेटा हम एक बार के लिए। रॉ मटेरियल्स परचेस्ड फॉर विच इनवॉइस इज मिसिंग बट डिलीवरी चालान इज अवेलेबल। क्या इनवॉइस नहीं है तो भी क्रेडिट मिल जाएगा? नहीं, क्योंकि आपने सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 2 उसका क्लोज ए फर्स्ट कंडीशन बोलती क्या, डेबिट नोट और टैक्स इनवॉइस और एनी द प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे आपने टैक्स पे किया वो डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बेटा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। थर्ड, रॉ मटेरियल्स परचेज विच आर यूज फॉर जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई। और आपको पता है जीरो रेटेड आउटवर्ड सप्लाई जो एक्सपोर्ट होता है और सप्लाई टू एसजेड होता है बेटा, उसके लिए कोई भी इनपुट या कैपिटल गुड्स या इनपुट सर्विस का मतलब उसका आईटीसी आपको मिलता है। ऑल दो आपका आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट टैक्स वालों कोई फर्क नहीं पड़ता, आईटीसी मिलेगा साहब, तो 50,000 का आईटीसी मिल जाएगा बच्चा। फोर्थ, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर सर्विस यूज फॉर रिपेयर ऑफ द फैक्ट्री बिल्डिंग विच इज डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। यस, आईटीसी मिलेगा बेटा, ध्यान रखना रिपेयरिंग इज ऑल्सो कवर्ड इन द स्कोप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, पर रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन के स्कोप में तभी आएगा इफ इट इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और सर कैपिटलाइज करते हो तो कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आता है, और कंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन में अगर आता है तो वो सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 क्लोज नंबर सी और डी में कवर होगा ब्लॉक क्रेडिट में। पर सिंस आपने बिल्डिंग का फैक्ट्री बिल्डिंग का रिपेयरिंग कराया तो सर ऐसे केस में वो रिपेयरिंग को अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया है मतलब आपका वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो यस उस खर्चे पे जो जीएसटी पे किया उसका आईटीसी मिलता है। ऑल दो यूज फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी बेटा मिलता है क्रेडिट बेटा इसका मिल जाएगा। ओके याद आया पॉइंट बेटा, ब्लॉक क्रेडिट सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 माहौल। क्वेश्चन साफ लिखा है इट इज डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी, मतलब रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, ये कैपिटलाइज नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। कैपिटलाइज करते हो तो कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन जाएगा रिपेयर्स, और रिपेयर्स कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन जाएगा तो आईटीसी नहीं मिलता, अदरवाइज आईटीसी मिलता है बेटा, तो यहां पे आईटीसी मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 5, कंपनी परचेज द कैपिटल गुड्स फॉर रुपीज 4 लाख एंड क्लेम्ड डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 44,800 एट द रेट ऑफ 10% ऑन द फुल अमाउंट ऑफ रुपीज 4,48,000 अंडर इनकम टैक्स एक्ट। और आपको पता है 48,000 इसने जीएसटी पे किया बेटा, 4 लाख की मशीन 48,000 जीएसटी, 4,48,000 टोटल प्राइस, और आपने जीएसटी पोर्शन का भी अगर डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3 में लिखा है कि कैपिटल गुड्स का क्रेडिट आपको तभी मिलेगा जब आपने कैपिटल गुड्स पर जीएसटी पोर्शन का डेप्रिसिएशन नहीं लिया, और इसने जीएसटी पोर्शन का भी डेप्रिसिएशन ले लिया, नो आईटीसी विल बी अलाउड। ओके माहौल सर, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन 3 में लिखा था बेटा। ओके बस, ओके अदर इन्फॉर्मेशन, इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। ओके अभी बात चल रही है कौन से मंथ की, अप्रैल मंथ की बात चल रही है बेटा, अभी है जहां क्वेश्चन शुरू हुआ फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा है अप्रैल मंथ।
अभी अप्रैल मंथ की बात चल रही है। अदर इन्फॉर्मेशन, इन दिस मंथ ऑफ सेप्टेम्बर ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पीक्यूआर कंपनी लिमिटेड अवेल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ रुपीज 2,40,000 ऑन परचेज ऑफ रॉ मटेरियल विच वॉज डायरेक्टली सेंट टू द जॉब वर्कर्स प्रीमाइसिस अंडर अ चालान ऑन 25th ऑफ सेप्टेम्बर। बेटा ओके, हमने क्या किया था लास्ट ईयर सेप्टेम्बर में, कुछ गुड्स परचेज किया था जिसपे हमने 2,40,000 इनपुट का आईटीसी लिया था और हमने डायरेक्टली जॉब वर्कर के गुड्स भिजवा देते सर, ठीक है साहब। द सेड रॉ मटेरियल हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द जॉब वर्कर अप टू 30th अप्रैल ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, अब तक रिसीव नहीं हुआ है। कोई बात नहीं सर, आपको पता है अगर आपने कोई भी गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ भेजा है या डायरेक्टली जॉब वर्कर के यहाँ भिजवा दिया है तो ऐसे क्या इसमें आप आईटीसी ले सकते बेटा। और अगर आपने डायरेक्टली जॉब वर्कर के गुड्स भिजवाया है तो जब उसको रिसीव हुआ उस दिन हम आईटीसी ले लेंगे, पर कंडीशन क्या है, जिस दिन उसको रिसीव हुआ वहां से एक साल के अंदर हमको रिसीव हो जाना चाहिए वापस से प्रोसेस होने के बाद, या सेम गुड्स हमको आ जाना चाहिए बेटा एक साल के अंदर। पर अभी तो ये सर आपने कब भेजा था बेटा, 25th सितंबर को, अभी तो 30 अप्रैल हुई है, अप्रैल मंथ चल रहा है बेटा सर, अभी तक 1 ईयर एक्सपायर नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो स्टिल देर इज अ टाइम लेफ्ट, उसमें आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं आएगा तो जब एक साल एक्सपायर होगा तब आईटीसी रिवर्स करना, अभी आईटीसी रिवर्स नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर पॉइंट नंबर 2 बोलता है ऑल दी अबव इनपुट सप्लाईज एक्सेप्ट पॉइंट नंबर 2 अबव हैव बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल गुड्स। ओके, हमने टेक्सटाइल गुड्स के लिए यूज किया बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं साहब। अरे हाँ है ना, क्लियर? तो सर कोई लोड नहीं सर, पॉइंट नंबर 2 में जो लिखा है उसका हमने आईटीसी वैसे भी नहीं लिया बेटा, क्लियर, पक्का, डन, खत्म क्वेश्चन। ये लो साहब 80,000 इज द आंसर। कई बार बेटा मैं इस तरह के 9 मार्क्स के क्वेश्चन जब देखता हूँ तो सर मेरे को तो डर लगता है कि बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, पर आपने जब देखा हो तो सर माहौल हो गया, सर खत्म क्वेश्चन नंबर 2 AB। आइए पॉइंट नंबर बी, बहुत सारे लोग तो दुआ कर रहे हैं सर काश ये ऐसा कैसा सेम क्वेश्चन या इस तरह के क्वेश्चन ही एग्जाम में आ जाए, माहौल हो जाए सर, जबरदस्त आएंगे, इससे भी इजी क्वेश्चन आएंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रखो आपको हर क्वेश्चन ईजी लगेगा, मेरी गारंटी सर आपसे। आइए, अ मटेरियल वॉज इम्पोर्टेड बाय एयर एट अ CIF प्राइस ऑफ रुपीज ऑफ डॉलर $5,000, फ्रेट पेड वॉज $1,500 एंड इंश्योरेंस कॉस्ट वॉज $500। द बैंकर रियलाइज द पेमेंट फ्रॉम इम्पोर्टर एट द एक्सचेंज रेट ऑफ 71 पर डॉलर, जिससे कोई मतलब नहीं है। CBIC की रेट ऑफ एक्सचेंज जो नोटिफाई करी द एक्सचेंज रेट 70 पर डॉलर दे रखा है बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग कस्टमर, 5 मार्क का क्वेश्चन, कस्टमर का माहौल सर, क्वेश्चन नंबर 2 का बी हम कर रहे हैं, जल्दी से हो जाएगा। आपको पता है बेटा CIF दे रखा है, और आपको पता है बेटा, आपको पता है क्या, बाय एयर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है, बाय एयर जब भी ट्रांसपोर्ट होता है तो मैक्सिमम फ्रेट विच कैन बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट इज 20% ऑफ FOB। और सर हमको पहले FOB निकालना पड़ेगा, सिंस क्वेश्चन ने CIF दे रखा है, FOB नहीं दिया, तो पहले FOB कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे बेटा, इसमें से एक्चुअल फ्रेट जो दे रखा है $1,500 वो लेस कर देंगे, एक्चुअल इंश्योरेंस दे रखा है कितना $500 वो लेस कर देंगे, रिमेनिंग कितना बच गया $3,000 बेटा। तो $3,000 इज योर FOB। अब FOB में हम वापस से कैलकुलेट करेंगे क्या, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड, चलो राइटिंग अच्छी लिख लेता हूँ बेटा मैं, फ्रेट लोडिंग अनलोडिंग एंड लैंडिंग चार्जेस टू द प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन, मैक्सिमम कितना हो सकता है एयर के केस में 20% ऑफ FOB, FOB है $3,000, इसका 20% होगा कितना $600, तो 600 और 1500 विच एवर इज लोअर, सो $600 ही इंक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ गुड्स के अंदर। एंड इंश्योरेंस अगर एक्चुअल दे रखा है तो इंश्योरेंस जो एक्चुअल दिया है वही हम लेते हैं, जो दिया है कितना बेटा $500, यस हम ले लेंगे, कितना हो गया बेटा 4100 इज योर CIF, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा असेसेबल वैल्यू, सो $41 इज योर आंसर, फाइंड द वैल्यू ऑफ मटेरियल फॉर द पर्पज ऑफ लेविंग कस्टमरी, दिस इज द आंसर, खत्म, 5 मार्क का क्वेश्चन बेटा, वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर, ध्यान रखना बेटा एग्जाम्स के लिए। ओके अच्छा एक और बात, हाँ सर एक और बात ध्यान रखना जल्दबाजी के केस में, रेट ऑफ एक्सचेंज दे रखा है बेटा सर, एक्सचेंज रेट दे रखा है, वी नीड टू कन्वर्ट द करेंसी इनटू INR, एक्सचेंज रेट CBIC वाला, और CBIC का रेट ऑफ एक्सचेंज कितना बेटा ₹70 पर डॉलर, तो सर 4100 × 70 2,87,000 इज योर आंसर वैल्यू इन INR फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग कस्टम ड्यूटी, क्लियर डन माहौल, क्लियर डन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो आ गए सर हमारे आंसर्स आ रहे हैं बेटा,
सर आइए क्वेश्चन थ्री की तरफ बढ़ते हैं बेटा। आरएसटी इनकॉरपोरेशन अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन यूएसए इंटेंड्स टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया। ओके, कॉर्न्स खाए आपने, स्वीट कॉर्न्स वगैरह बेटा, तो उनकी चिप्स बनाई इसने बेटा। क्लियर, ये क्वेश्चन भी इतने मज़ेदार बनाते बेटा, क्रिस्पी की भूख लग जाए आप लोग एग्जाम देते देते दे दे बेटा। माहौल सर, बहुत सारे लोग सोच रहे सर एग्जाम दिन एग्जाम हॉल में तो सर ना भूख की याद आती है ना प्यास की याद आती है, दिमाग खराब हो जाता है हमारा। आप सर पढ़ाने में दिमाग लगाओ, इधर उधर की बातें मत करो। ओके, तो सर पढ़ाता हूँ मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर थ्री का पॉइंट नंबर ए। क्वेश्चन नंबर ए, आरएसटी इनकॉर्पोरेशन अ कॉर्न चिप्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन यूएसए इंटेंड्स टू लॉन्च इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया, हाउएवर द कंपनी विशेज टू नो द टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज ऑफ इंडियंस बिफोर लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट्स इन इंडिया। यस, वेरी गुड। तो सर इंडियन टेस्ट क्या है वो देखने के लिए इन्होंने सर अप्रोच किया। फॉर दिस पर्पज आरएसटी इनकॉर्पोरेशन हैज अप्रोच्ड एबीसी कंसल्टेंट्स मुंबई टू कैरी आउट अ सर्वे इन इंडिया टू एनेबल इट टू मेक चेंजेस इफ एनी इन इट्स प्रोडक्ट्स टू सूट दी इंडियन टेस्ट। बेटा इंडियन टेस्ट नॉर्मली स्पाइसी होता है बेटा, यूएसए ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता है, कारण पता है आपको बेटा? क्लियर सर, थोड़ा सोचना बाद में समझ में आएगा। यहाँ पानी यूज़ करते हैं, वहाँ पेपर यूज़ करते हैं। ओके सर, जल्दी ज़्यादा मत सोचना इस पर सर। ओके, सर्वे करने के लिए अपॉइंट किया आपको बेटा। द सर्वे इज टू बी सोलली बेस्ड ऑन दी ओरल रिप्लाईज ऑफ सर्वेज, दे विल नॉट बी प्रोवाइड एनी सैंपल बाय दी आरएसटी इनकॉर्पोरेशन टू टेस्ट। कोई फिजिकल गुड्स नहीं बेटा, केवल ओरल ओरल ही सर्वे होगा सब। एबीसी कंसल्टेंट्स विल बी पेड इन कन्वर्टिबल फॉरन एक्सचेंज फॉर द असाइनमेंट। ओके, कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज मिलेगा अपने को। विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑल्सो एक्सप्लेन वेदर द सेड सप्लाई विल अमाउंट टू एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। सबसे पहली बात, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर? जब सप्लाई और सर्विस और रेसिपेंट ऑफ सर्विस दोनों में से 1% इंडिया का 1% आउट ऑफ इंडिया सेक्शन नंबर 13 ऑफ आईजीएसटी एक्ट रेफर करेंगे। और सर सिंस यहाँ पे फिजिकल गुड्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 में कवर नहीं है। तो आप पहले देख लीजिए बेटा, सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 3 से लेकर सब सेक्शन 13 में कहीं कवर तो नहीं बेटा ये? तो सर स्पेसिफिक प्रोविजन अगर दे रखा है तो उसमें कवर होगा, और स्पेसिफिक कवर नहीं तो सब सेक्शन 2 में कवर होगा। और सर स्पेसिफिक प्रोविजन सब सेक्शन 3 किसके रिगार्डिंग है? जहाँ फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स चाहिए या फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पर्सन चाहिए टू सप्लाई द सर्विसेज, सब सेक्शन 3 में कवर नहीं बेटा है, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस नहीं चाहिए, केवल सर्वे करना है ओरल बेटा इसमें। सब सेक्शन 4 रिलेटिंग टू इमल बॉडी है, सब सेक्शन 5 रिलेटिंग टू इवेंट है, सब सेक्शन 6 जब मोर देन वन टेरिटरी में हो रहा होता है इंक्लूडिंग वन इंडिया उसके लिए बात कही है, सब सेक्शन 7 मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में हुआ है तो उसके लिए क्या करेंगे बात कही है। सेवन सर सब सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, तीन सर्विसेज केस में हमेशा सप्लायर का लोकेशन प्लेस सप्लाई होता है। एक तो हो गया क्या, बैंकिंग कंपनीज वगैरह की सर्विसेज, टू इट्स अकाउंट होल्डर। सेकेंड सर इंटरमीडियरी सर्विसेज, इंटरमीडियरी सर्विस ये है नहीं बेटा, कोई एजेंट नहीं बेटा, ये तो सर्वे कर रहा है केवल ये। देन हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, वो इसमें कवर नहीं होता बेटा, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्लियर, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स लेता है, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर का, देन ऑन बोर्ड सर्विसेज आ जाता है बेटा, देन OIDAR सर्विस आ जाएगा बच्चों। अरे हाँ है ना, क्लियर। एंड सर फिर गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो नोटिफाई कर सकता है कि सर यहाँ पे प्लेस सप्लाई ये रहेगा टू अवॉइड द डिस्प्यूट वगैरह, या टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन, या टू अवॉइड द सर नॉन टैक्सेशन, ऐसे उसमें भी कवर नहीं बैठाई है। कुल मिला के सर सेक्शन नंबर 13 के सब सेक्शन 3 से लेकर 13 में कहीं कवर नहीं है, तो सब सेक्शन 2 लगेगा। 2 बोलता है रेसिपिएंट का लोकेशन। और सर सर आरएसटी इनकॉर्पोरेशन अ कॉर्न चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बेस्ड इन यूएसए, जब आपको पता है उसका लोकेशन यूएसए है तो रेसिपिएंट का लोकेशन इज द प्लेस ऑफ सप्लाई बेटा। क्लियर, तो सप्लायर है मुंबई महाराष्ट्र का, कंसल्टेंट एबीसी, एबीसी कंसल्टेंट इंडिया हिंदुस्तान का, सप्लायर इंडिया का, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया आउटसाइड इंडिया। तो पहली बात तो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यूएसए आउटसाइड इंडिया बेटा। क्लियर, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। ओके, अभी एक्सपोर्ट में कवर है या नहीं है सर? सप्लायर इंडिया का है, रेसिपिएंट आउट ऑफ इंडिया का है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया है, पेमेंट कन्वर्टेबल फॉरन एक्सचेंज में आ रहा है, और दोनों सेम पर्सन की अलग अलग ब्रांच या अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। सिंस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस सारी कंडीशन पूरी करता है, इसलिए ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा। और यस, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का इसको बेनिफिट मिल जाएगा। भारत माता की जय। माहौल 5 मार्क कवर। चिकू चिकू भैया, विराट कोहली पॉइंट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी। चिकू ट्रेडर्स इज अ रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ प्लास्टिक गुड्स। ओके, ऑन 10th अप्रैल चिकू ट्रेडर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नीलू ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट। नीलू कौन है मेरे को नहीं पता बेटा। सर चिकू ट्रेडर्स रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम नीलू ट्रेडर्स फॉर सप्लाई ऑफ अ कंसाइनमेंट ऑफ प्लास्टिक गुड्स। चिकू ट्रेडर्स गेट्स द कंसाइनमेंट रेडी बाय
15th of April, okay. The invoice for the consignment was issued by the issued the next day, 16th of April, okay. 16th April को इसने इनवॉइस इशू कर दिया था बेटा, कंसाइनमेंट रेडी किया था 15th अप्रैल को. नीलू ट्रेडर कलेक्ट द कंसाइनमेंट फ्रॉम द गोडाउन ऑफ चिकू ट्रेडर ऑन 25th अप्रैल. अच्छा, रिमूवल कब हुआ बेटा? 25 अप्रैल. तो 25 अप्रैल या उससे पहले बिल इशू होना चाहिए बेटा, और बिल इशू कर दिया कब इसने? 16th अप्रैल. कोई दिक्कत नहीं माहौल. एंड हैंड्स ओवर द चेक टुवर्ड्स पेमेंट ऑन द सेम डेट. चेक दे दिया सब हाथ में अपने को. द सेड पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ चिकू ट्रेडर्स ऑन 26th of April एंड द अमाउंट इज क्रेडिट इन दियर बैंक अकाउंट ऑन 27th अप्रैल बेटा. ओके, तो सर चेक जब आया तब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री कर दिया अपने. तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री जब करी वो दिन, या एक्चुअल क्रेडिट इन योर बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर, मतलब 26th अप्रैल हो जाएगा डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस क्या बेटा? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 16th अप्रैल, जब इसने इनवॉइस इशू किया था बेटा. हाँ है ना? ओके. डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ प्लास्टिक गुड्स सप्लाइड बाय चिकू ट्रेडर्स टू नीलू ट्रेडर्स एज पर द प्रोविजन ऑफ द जीएसटी लॉ. ओहो खत्म. सर केवल टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है. गुड्स के केस बेटा सेक्शन में 12 सब सेक्शन 2 बोलता है क्या? गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? द डेट ऑन विच इनवॉइस इज इश्यूड. और अगर इनवॉइस टाइमली इशू नहीं किया तो द डेट ऑन विच इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड. क्लियर? तो सर इनवॉइस कंसाइनमेंट रेडी कब किया उससे कंसर्न नहीं है. रिमूव कब किया बेटा? 25 अप्रैल को. तो 25 अप्रैल या उससे पहले बिल इशू हो गया क्या? हाँ हो गया है. 16th अप्रैल को बिल इशू हो गया है. तो सर 16th अप्रैल ही क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई. पेमेंट कब आया उसे कंसर्न नहीं है. ऑर्डर कब आया कंसर्न नहीं है. सर कंसाइनमेंट कब रेडी किया उसे कंसर्न नहीं है. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस अगर टाइमली इशू कर दिया तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस ही टाइम ऑफ सप्लाई होता है. सो 16th अप्रैल ही टाइम ऑफ सप्लाई हो गया. भारत माता की जय. पॉइंट खत्म होता है. अब डन क्वेश्चन नंबर सी. अरे मजा माहौल. ड्रीम एंड डिजायर इंडस्ट्रीज. वाह, सपने भी है और इच्छा भी है. ड्रीम एंड डिजायर इंडस्ट्रीज हैज चैलेंज्ड द इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द डेट प्रायर टू द डेट ऑफ इम्पोजिशन ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन द ग्राउंड्स दैट इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एक्सप्लेन वेदर इट वुड सक्सेड इन इट्स कंटेंशन. बेटा आपको पता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि सर डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह से आप इंपोर्ट कर रहे हो वो नॉर्मल प्राइस से भी कम में इंपोर्ट कर रहे हो बेटा, डम्प्ड प्राइस में इंपोर्ट कर रहे हो, तो एंटी डंपिंग गवर्नमेंट चार्ज कर सकता है. प्लस गवर्नमेंट को पावर है कि गवर्नमेंट चाहे तो रेट्रोस्पेक्टिवली भी एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकता है. बट दिस रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट कैन नॉट बी बियॉन्ड 90 डेज. तो एटलीस्ट 90 डेज के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिव चार्ज हो सकती है बेटा. तो कंटेंशन ऑफ द इंपोर्टर इज रॉन्ग बिकॉज इट्स द पावर ऑफ द लॉ कि दे कैन चार्ज दिस ड्यूटी रेट्रोस्पेक्टिवली एंटी डंपिंग ड्यूटी बेटा. क्यों? क्योंकि सर गवर्नमेंट को अगर लगता है कि देर वॉज एन हिस्ट्री ऑफ डंपिंग इन दिस केस जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट हैम्पर हुआ था, एंड सर आपका इंपोर्टर जिसने इंपोर्ट किया गुड्स वो अवेयर है कि डंप प्राइस पे गुड्स आ रही है, तो ऐसे विच विल कोज डोमेस्टिक इंडस्ट्री एन इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो ऐसे केस में एंटी डंपिंग चार्ज हो सकता है. सेकंड जो इसने रीजन दिया है वो दिया है द इंजरी इज कोज्ड बाय मैसिव डंपिंग ऑफ एन आर्टिकल इंपोर्टेड इन अ रिलेटिवली शॉर्ट टाइम विच इन द लाइट ऑफ द टाइमिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ द इंपोर्टेड आर्टिकल डंप्ड एंड अदर सर्कमस्टेंसेज इज लाइकली टू बी सीरियसली अंडरमाइन द रेमेडियल इफेक्ट ऑफ एंटी डंपिंग ड्यूटी लाइबल टू बी लेविड. तो गवर्नमेंट को ये पावर दिया हुआ है कि इस तरह की सिचुएशन जब आपको मिलती है तो आप एंटी डंपिंग ड्यूटी चार्ज कर सकते हो, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज बेटा. सो सर असेसेस कंटेंशन कि वो एंटी डंपिंग ड्यूटी गवर्नमेंट चार्ज नहीं कर सकता है रेट्रोस्पेक्टिवली इज रॉन्ग. क्लियर? और गवर्नमेंट कैन चार्ज इट रेट्रोस्पेक्टिवली बट नॉट बियॉन्ड 90 डेज बेटा. डन. आइए क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए राजेश डायनेमिक्स माहौल. सर नाम सुनते ही याद आ रहा होगा, क्वेश्चन ऑलरेडी कवर है बेटा. ये राजेश डायनेमिक्स हैविंग इट्स हेड ऑफिस इन चेन्नई तमिलनाडु कैरीज ऑन द फॉलोइंग एक्टिविटीज विथ रेस्पेक्टिव टर्नओवर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर. ओके ओके, फिगर्स वगैरह देख के सर आप पहले देखिए कि अपने को करना क्या. आखिर बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स फर्स्ट है डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राजेश डायनेमिक्स. सेकंड बोलता है स्पेसिफाई ऑल कंडीशंस दैट फुलफिल द रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट इन द गिवन सर्कमस्टेंसेस. ओके ठीक है सर, रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग पॉइंट है कुल मिला के. ओके सर एग्रीगेट टर्नओवर क्या है और कंडीशंस आपको स्पेसिफाई करनी दैट फुलफिल रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर CGST एक्ट. ओके सर एग्रीगेट टर्नओवर निकालते पहले हम बेटा आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. पॉइंट नंबर ए सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई तमिलनाडु. बेटा भाइयों आपको पता है एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त रजिस्ट्रेशन एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त भले ही टैक्सेबल सप्लाई हो
नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, एग्जिम सप्लाई हो, इंटरस्टेट सप्लाई हो, इंट्रास्टेट सप्लाई हो, कोई भी हो, सब कुछ ऐड करेंगे। पेट्रोलियम है, कुछ भी है ऐड होगा एग्रीगेट टर्नओवर के लिए बेटा। ओके देखिए बच्चों, तो फर्स्ट क्या सप्लाई ऑफ पेट्रोल एट चेन्नई तमिलनाडु 18 लाख इंक्लूड करेंगे साहब। सेकेंड, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल ऑन रिवर्स एज बेसिस। ये तो आपका इनवर्ट सप्लाई है बेटा, आपका आउटपुट सप्लाई तो है नहीं, क्लियर, ये आपका टर्नओवर नहीं है तो इंक्लूड करने की बात नहीं आएगी। थर्ड, सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर, सप्लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल एट चेन्नई तमिलनाडु बेटा। ओके आप भी चेन्नई में हो, चेन्नई से चेन्नई सप्लाई किया आपने बेटा, 2 लाख रुपी टर्नओवर मेड हो जाएगा बेटा। थर्ड, वैल्यू ऑफ ब्रांच ट्रांसफर फ्रॉम चेन्नई तमिलनाडु टू बेंगलुरु कर्नाटका माहौल विदाउट पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। और आपको बताया क्या, तमिलनाडु से अगर कर्नाटका आपने ब्रांच ट्रांसफर किया है तो सर अगर दूसरे स्टेट में आपकी ब्रांच है तो डेफिनेट सी बात है वहां आपका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और सर इंटरस्टेट सप्लाई हो गया बेटा ये, क्योंकि आपको पता है डिस्टिंक्ट पर्सन को अगर आप सप्लाई करते हो तो सर इफ इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यस ब्रांच ट्रांसफर है गुड्स का बेटा, इट इज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को कोई भी गुड सप्लाई किया ऑल्दो विदाउट कंसिडरेशन फिर भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। और सप्लाई के स्कोप में अगर आएगा तो सर ये टर्नओवर के स्कोप में आएगा और सर पूरी वैल्यू आएगी कितने की, 1,50,000। और वैसे भी इंटरस्टेट सप्लाई हो गया तो सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा इस केस में, पर फिर भी हम बात करते हैं एग्रीगेट टर्नओवर निकालना अपने को। तो पहले अभी वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एट मणिपुर ब्रांच, ओ हो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एट मणिपुर ब्रांच 11,50,000 बेटा। मणिपुर, मिजोरम, सर याद आ रहा है क्या, चार स्टेट्स कौन कौन से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये चार स्टेट ऐसे हैं जहां एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट केवल 10 लाख ही है बेटा। इसका मणिपुर ब्रांच का टर्नओवर था कितना, 11,50,000। ओके देखते हैं नीचे एक और बॉक्स के नीचे क्या लिखा है। इट आर्ग्यूज दैट इट डज नॉट हैव टैक्सेबल टर्नओवर क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ ₹40 लाख इधर एट चेन्नई तमिलनाडु और बेंगलुरु कर्नाटका और एट मणिपुर ब्रांच। ओहो, इट बिलीव्स दैट द डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन बट इज रिक्वायर्ड फॉर डिटरमाइनिंग कंपोजिशन लेवी। अरे भाई किसने कह दिया, एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको देखना ही पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सेक्शन नंबर 22 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या, अगर किसी भी पर्सन का एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख क्रॉस होता है तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। पर सर ये चार स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ये चार स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर इज ओनली 10 लाख सर। और हाँ ध्यान देना बेटा, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो विद इन द सेम स्टेट, इंट्रा स्टेट ही है, हाँ ना, एक्सक्लूसिवली गुड्स, और आप सेक्शन नंबर 24 के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं हो, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन लिमिट 40 लाख इंक्रीज कर दिया गया है विद इन द सेम स्टेट अगर है तो। पर सर अगेन मणिपुर में अगर आपकी ब्रांच है तो सर उसके लिए 40 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट ओनली 10 लाख ही देखा जाएगा बेटा। तो आपकी एक भी ब्रांच मणिपुर वगैरह में नहीं होनी चाहिए बेटा, तो आपके लिए 40 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है सिंस आपका ब्रांच कहाँ है बेटा, मणिपुर में भी, इसलिए बेटा। ओके तो सर पहली बात तो 40 लाख का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। सेकंड बात, आपके लिए एग्रीगेट टर्नओवर जो रजिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे वो 10 लाख ही देखेंगे। पर हाँ आपको क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, डिटरमाइन द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ राजेश डायनेमिक्स, तो एग्रीगेट टर्नओवर कितना बेटा, इनको ऐड कर लीजिए बेटा, तो 1150 और 150 ऐड करेंगे तो सर 13 लाख और 20 लाख 33 लाख इसका एग्रीगेट टर्नओवर हो गया है साहब। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है, 33 लाख। सेकंड बात, क्या ये एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट गुड्स ही सप्लाई कर रहा है, देखो पेट्रोल सप्लाई कर रहा है, फिर ट्रांसफॉर्म ऑयल सप्लाई कर रहा है, आप ट्रांसफॉर्म ऑयल तो टैक्सेबल गुड्स है बेटा, एंड सर लास्ट मणिपुर से सप्लाई कर रहा है वो भी क्या है, टैक्सेबल गुड्स है, और ब्रांच ट्रांसफर किया वो भी कहीं लिखा नहीं तो हम टैक्सेबल गुड्स मानेंगे बेटा। तो सर पहली बात तो ये, इसको एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट जो मिलेगा वो 10 लाख ही मिलेगा। दूसरी बात ये, इसने इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर किया है, मतलब इंटरस्टेट सप्लाई कर दिया तो 10 लाख का बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के स्कोप में आ जाएगा ये, क्लियर। तो सर इसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा बेटा, हाँ है ना, और इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उन सब स्टेट में जहाँ से ये टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। अब टैक्सेबल सप्लाई कहाँ से कर रहा है बेटा, चेन्नई तमिलनाडु में पेट्रोल बेचा इसने, फिर चेन्नई ब्रांच से इसने ट्रांसफर ऑयल भी तो सप्लाई किया बेटा, तो टैक्सेबल गुड्स तो हो ही गया बेटा, तो इसको चेन्नई में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बेंगलुरु में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, मतलब कर्नाटका में, एंड मणिपुर ब्रांच का भी रजिस्ट्रेशन इसको कराना पड़ेगा। ऑल दीज 3 ब्रांचेस आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड बेटा, क्लियर डन। आइए बच्चों बी क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, बी क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर फोर का बी पोर्शन, सर बी पोर्शन आइए बेटा। वाई लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर फॉर कंप्यूटेशन ऑफ रिफंड क्लेम अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स, कंप्यूट द एलिजिबल क्लेम अंडर द सेड रूल अज्यूमिंग दैट अदर कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ओके, सेम क्वेश्चन वैसे बुक में दे रखा है पर फिर भी मानता हूँ कि आपने क्वेश्चन अभी आपको याद नहीं, हम तो नया क्वेश्चन ही कर रहे फ्रेश। ओके, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी, बेटा पहली बात ध्यान रखना, जब आप आई टी सी क्लेम रिफंड क्लेम की बात करते हो तो जो रिलेवेंट पीरियड, जिस पीरियड में आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में जितना आपने आई टी सी लिया होता है हम केवल उसी को कंसिडर करते हैं। आई रिपीट, जिस पीरियड का आप रिफंड क्लेम कर रहे हो उस पीरियड में जितना आपने आई टी सी अवेल किया उसी को हम कैलकुलेशन का पार्ट बनाएंगे। जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी है, आई रिपीट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी से कोई रिलेवेंस नहीं है रिफंड के केस में, इसलिए सर ओपनिंग बैलेंस ऑफ आई टी सी कंसिडर नहीं करेंगे। यह है क्वेश्चन नंबर फोर का बी पार्ट। सेकेंड पॉइंट दे रखा है, आई टी सी अवेल्ड ड्यूरिंग द पीरियड विच इंक्लूड्स द क्लेम फॉर रिफंड मेड ऑफ रुपीज 5 लाख एलिजिबल अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4A और रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4B ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। सर 25 लाख का आई टी सी था, उसमें से 5 लाख का आप रिफंड ऑलरेडी सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B में कर चुके हो, तो आपको पता है कि सब रूल नंबर 4A और 4B जो डीम्ड एक्सपोर्ट वगैरह केस कवर है इसमें बेटा, या एडवांस ऑथराइजेशन वगैरह कवर है उसके अंदर, तो सर वहां अगर आप रिफंड ले चुके हो तो यहां पे नेट आई टी सी कैलकुलेट करते वक्त वो अमाउंट हम रिड्यूस कर देंगे। तो सर 25 लाख जो आई टी सी का अमाउंट है उसमें से लेस कर देंगे, कितना 5 लाख रुपये। ओके, तो नेट आई टी सी हो गया अभी के लिए 20 लाख। आगे देखते कुछ और लिखा है क्या, ठीक है सर आई टी सी के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो 20 लाख इज योर नेट आई टी सी बेटा, जिसका प्रोपोर्शन आपको रिफंड मिलेगा। माहौल एकदम जबरदस्त सर, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर बॉन्ड और LUT विच इंक्लूड सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹1 crore फॉर विच रिफंड इज ऑलरेडी क्लेम्ड अंडर रूल नंबर ₹89 सब रूल नंबर 4A और सब रूल नंबर 4B ऑफ द CGST रूल्स। तो 6 crore का टोटल टर्नओवर बेटा आपका, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कितना है बेटा 6 CR, तो सर 6 crore का आपका टर्नओवर है जीरो रेटेड सप्लाई का, हाँ है ना, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, पर इसमें से 1 crore वो वाला टर्नओवर है जिसमें आप रूल नंबर सब रूल नंबर 4A और 4B का रिफंड क्लेम कर चुके हो, तो इसको क्या करेंगे जीरो रेटेड सप्लाई से रिड्यूस कर देंगे बेटा, क्योंकि वो जब टर्नओवर का रिफंड ले चुके हो तो हम यहाँ अकाउंट वापस नहीं करेंगे। तो 5 CR, 5 CR क्या हो गया बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर हो गया बेटा आपका। ओके, देन दे रखा है क्या, सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, तो 3 crore अदर टर्नओवर बेटा आपका खत्म। तो सर क्या होगा, सर रिफंड लेना है आपको, प्रोपोर्शनल रिफंड मिलेगा, तो जीरो रेटेड सप्लाई का टर्नओवर कितना है बेटा 5 CR डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर। और ध्यान रखें आपको बेटा, टोटल टर्नओवर में भी ये टर्नओवर कौन सा, जिसका आप सब रूल नंबर 4A और 4B में रिफंड क्लेम कर चुके हो, वो टर्नओवर आपके टोटल टर्नओवर में भी इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए सर जो एडजस्टेड टोटल टर्नओवर है वो आएगा कितना, डायरेक्टली ये 5 CR प्लस 3 CR ऐड कर दो, कितना हो गया 8 CR मल्टीप्लाई बाय नेट आई टी सी, नेट आई टी सी कितना बेटा 20 लाख रुपये बेटा। तो सर 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 8, तो सर आ गया आंसर कितना 12,50,000 इज द अमाउंट विच इज रिफंडेबल अंडर रूल नंबर 89 सब रूल नंबर 4। क्लियर, डन। सर भारत माता की जय। सर बच्चे कई बार रिफंड के केस में कॉन्फिडेंस लूज करते हैं जबकि बहुत ईजी होता है बेटा कैलकुलेशन। माहौल डन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं हम बेटा। मेसर्स प्योर एनर्जी लिमिटेड इज रजिस्टर्ड इन, सॉरी इज एंगेज्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड हैज इंपोर्टेड सॉफ्टवेयर कंटेनिंग सिस्मिक डेटा, द इंपोर्टर इज एंटाइटल टू एग्जेम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एन एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट इज ग्रांटेड बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन गुड्स। ओके, इसने क्या किया बेटा, सर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन में एंगेज है बेटा, इसने एक सॉफ्टवेयर जिसमें सिस्मिक डेटा है वो इंपोर्ट किया बेटा, पर उस पर कस्टम का एग्जिबिशन आपको तभी मिलेगा अगर आपने एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है कस्टम डिपार्टमेंट को एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन, और ये सर्टिफिकेट आपको देता है कौन, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दो द इंपोर्टर अप्लाइड फॉर सर्टिफिकेट विद इन द स्टेचुअरी टाइम लिमिट
प्रिस्क्राइब फॉर द सेम, ओके, उसने टाइमली अप्लाई कर दिया था, बट द सर्टिफिकेट वॉज नॉट मेड अवेलेबल टू द इम्पोर्टर विद इन अ रीजनेबल टाइम बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन. बेटा सर डिपार्टमेंट ने आपको, मतलब कौन सा डिपार्टमेंट बेटा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन ने आपको रीजनेबल टाइम में सर्टिफिकेट नहीं दिया. द कस्टम डिपार्टमेंट रिजेक्टेड द इम्पोर्टर्स क्लेम फॉर एग्जम्पशन. एग्जामिन ब्रीफली वेदर डिपार्टमेंट्स कंडीशन इज सस्टेनेबल इन द लॉ और नॉट. तो सर बताता हूँ बेटा, मैं एक जजमेंट आया बेटा सुप्रीम कोर्ट का, टुलो इंडिया ऑपरेशंस लिमिटेड. अब टुलो इंडिया ऑपरेशन लिमिटेड के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर किसी भी एग्जम्पशन को कंडीशनल एग्जम्पशन लगाया हुआ है कि ये कंडीशन पूरी करोगे तो ही आपको एग्जम्पशन मिलेगा, पर वो कंडीशन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के किसी सर्टिफिकेट पे या किसी स्टडी बॉडी के सर्टिफिकेट पे या किसी कंप्लायंस पे, और आपने रीजनेबल टाइम के थ्रू टाइम में वो एप्लीकेशन लगा दी थी, पर अगर डिपार्टमेंट ने या उस गवर्नमेंट रेस्पेक्टिव स्टडी बॉडी ने आपको टाइमली सर्टिफिकेट नहीं दिया तो ऐसे केस में ये एसएससी का डिफॉल्ट नहीं है. इसलिए सर जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे केस में एसएससी शुड नॉट बी डिनाइड ऑफ द बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन. मतलब एसएससी को एग्जम्पशन बेनिफिट देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एसएससी की कोई गलती नहीं है. सर डिपार्टमेंट कौन सा, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसने लेट किया सर्टिफिकेट देने में, इसमें एसएससी की कोई गलती नहीं है, उसने रीजनेबल टाइम में अप्लाई कर दिया था बेटा. अब सर उस डिपार्टमेंट ने उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया, इसमें एसएससी की क्या गलती, इसलिए उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा. एंड यस, भले उसने ये कंडीशन पूरी नहीं करी कि एट द टाइम ऑफ इम्पोर्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, फिर भी उसको ये बेनिफिट मिल जाएगा और एग्जम्पशन मिलेगा बेटा. क्लियर, डन, ये आपका क्वेश्चन खत्म होता है. अब आइए आइए सरकार क्वेश्चन नंबर 5. सर ध्यान रखिए बेटा, अगर ध्यान रखिए बेटा, कस्टम्स लॉ के अंदर जो केस लॉज दे रखे आपके बुक के अंदर, अगर उसके केस लॉ के नाम आपको याद नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं, मैक्सिमम एक मार्क करता है बेटा. क्लियर, और जीएसटी के केस लॉज अब तक आपके कोर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि वो लॉ सेटल नहीं हुए अब तक बेटा. दे उस कैन बी चैलेंज सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो बेटा. इसलिए जीएसटी के केस लॉ अभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट है नहीं, कस्टम के जो केस लॉज है वो रिलेवेंट है, पर मैक्सिमम एक मार्क कटेगा आपका अगर केस लॉ का नाम आपको याद नहीं, वो भी अगर क्वेश्चन ने पूछा है केस लॉ का नाम तो. इसलिए आपको केस लॉज का हेडेक लेने की जरूरत नहीं इनडायरेक्ट टैक्स लॉ के अंदर बेटा. ओके आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 का ए, मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता सेल्फ असेस्ड हिज टैक्स लायबिलिटी फॉर ₹90,000 फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल बट फेल्ड टू मेक द पेमेंट. उसने सेल्फ असेस्ड किया टैक्स लायबिलिटी ₹90,000 का, बट वो पे करने में फेल हो गया बेटा. सब्सिक्वेंटली द डिपार्टमेंट इनिशिएटेड पिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73. ओके, पिनल प्रोसीडिंग शुरू कर दी डिपार्टमेंट ने फॉर रिकवरी ऑफ पेनल्टी अंडर सेक्शन नंबर 73 फॉर फेलियर टू पे द जीएसटी एंड इश्यूड द शो कॉज नोटिस ऑन 10th of August. ओके, विच वॉज रिसीव्ड बाय मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता ऑन 14th of August. ओके, 14th August को उसको शो कॉज नोटिस रिसीव हो गया. मिस्टर अनंत कुमार गुप्ता डिपॉजिटेड द टैक्स अलोंग विद इंटरेस्ट ऑन 25th of August. विद इन 30 days उसने जमा करा दिया टैक्स का अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट एंड इन्फॉर्म द डिपार्टमेंट ऑन द सेम डेट. ओके, द डिपार्टमेंट इज कंटेंडिंग दैट ही इज लायबल टू पे अ पेनल्टी ऑफ ₹45,000 विच इज 50% ऑफ टैक्स अमाउंट 90,000 का 50% 45,000 बेटा. एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ दिस स्टैंड taken by the department with reference to the provisions of the GST law बेटा. माहौल सरकार सेक्शन नंबर 73 बोलता है क्या, पेनल्टी कितना चार्ज होता है बेटा सर, 10% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 विच एवर इज हायर. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी कैन बी 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और ₹10,000 विच एवर इज हायर. तो 10% ऑफ टैक्स, टैक्स अमाउंट था 90,000, उसका 10% कितना होता है 9,000 और 10,000 विच एवर इज हायर. तो 10,000 कैन बी द मैक्सिमम पेनल्टी. पर अगर शो कॉज नोटिस सर्व होने से पहले या शो कॉज नोटिस सर्व होने के 30 days के अंदर आप पूरा टैक्स पे कर देते हो विद इंटरेस्ट, देन नो पेनल्टी विल बी चार्ज्ड, इट विल बी वेव्ड. पर उसका एक एक्सेप्शन है बेटा, और एक्सेप्शन दिया है सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 11 ने, और वो बोलता है क्या, अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स कलेक्ट कर लिया कस्टमर से और वो डिपॉजिट नहीं कराया आपने विद इन 30 days आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, और अप्रैल मंथ का लायबिलिटी था बेटा, ये अप्रैल मंथ का लायबिलिटी आपको पे करना था कब तक बेटा सर, 20th मई तक, और 20th मई के बाद सर 30 दिन का वक्त दिया था बेटा आपको, पर आपने पे नहीं किया बेटा सर, 25th ऑगस्ट को आपने पे किया बेटा. तो ऐसे केस में अगर आपने सेल्फ असेस करके टैक्स कलेक्ट कर लिया कस्टमर से और 30 डेज
एक्सपायर हो गए बिफोर आफ्टर ड्यू डेट से 30 दिन निकल गए, तो उसके बाद अगर भले ही शो कॉज नोटिस सर्व हो गया और उसके 30 दिन के अंदर आपने पे कर दिया, या तो मैं या फिर मैं कह रहा हूँ शो कॉज से पहले ही आपने पे कर दिया पूरा टैक्स विद इंटरेस्ट, तो भी पेनल्टी पे करना पड़ेगा और आपको पेनल्टी से वेवर नहीं मिलेगा बेटा। तो सर एसएससी जो बोल रहा है कि पेनल्टी नहीं लगेगा, पहली बात तो पेनल्टी लगेगा, सेकंड थिंग यहाँ डिपार्टमेंट गलत है, पेनल्टी लगेगा बट सेक्शन नंबर 73 में मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 10% ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जो ₹9,000 और ₹10,000 विच इज हायर, तो मैक्सिमम पेनल्टी कैन बी 10,000 नॉट द 50,000 बेटा, हाँ है ना। तो डिपार्टमेंट का कंडीशन पेनल्टी लेने का सही है पर अमाउंट ऑफ पेनल्टी गलत है, मैक्सिमम 10,000 पेनल्टी कैन बी कलेक्टेड बाय द डिपार्टमेंट बेटा। आइए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट माहौल। सर सेम क्वेश्चन बेटा, इस पॉइंट के कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ गए। सर ये आरटीपी भी दे रखा है, सेम यहाँ पे भी दे रखा है जो ए पॉइंट था बेटा वो। आइए बी क्वेश्चन, मिस्टर ए हेड फाइल्ड एन अपील बिफोर द अपलेट ट्रिब्यूनल अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ अपलेट अथॉरिटी। ओके, अपलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अपलेट ट्रिब्यूनल चला गया बेटा। वेयर द इश्यू इन्वॉल्व्स इन वेयर द इश्यू इन्वॉल्व्ड रिलेट्स टू प्लेस ऑफ सप्लाई। बेटा आपको पता है अगर प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड मैटर अगर होता है तो अपलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी है तो सर आप अपलेट ट्रिब्यूनल जाएंगे बट नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास जाएंगे, स्टेट बेंच या एरिया बेंच नहीं जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा? सर नेशनल बेंच या रीजनल बेंच। ओके, तो वहां आप गए होंगे सब। द ऑर्डर ऑफ अपलेट ट्रिब्यूनल इज ऑल्सो इन द फेवर ऑफ डिपार्टमेंट। ओ हो, एसएससी को दुख हो रहा है बेटा। मिस्टर ए नाउ वॉन्ट्स टू फाइल एन अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द अपलेट अथॉरिटी एज ही फील्स दैट द स्टैंड टेकन बाय हिम इज करेक्ट। एसएससी को लगता है मैं सही हूं, मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, वो इसके अगेंस्ट अपील फाइल करना चाहता है। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइस हिम सुटेबली विद रिगार्ड टू फाइलिंग ऑफ एन अपील बिफोर द अपलेट फोरम हायर देन द अपलेट ट्रिब्यूनल। तो सरकार आपको बताया क्या? सर प्लेस ऑफ सप्लाई का इश्यू था तो नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के पास आप गए होंगे और नेशनल बेंच या रीजनल बेंच के अगेंस्ट अगर आपको जाना है तो यू विल नॉट मूव टू हाई कोर्ट, यू विल डायरेक्टली मूव टू सुप्रीम कोर्ट। आपकी अपील डायरेक्ट कहाँ जाएगी बेटा? सुप्रीम कोर्ट जाएगी, हाई कोर्ट नहीं जाएगी। क्लियर? यू कैन नॉट गो टू हाई कोर्ट अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय नेशनल बेंच ऑफ, सर नेशनल बेंच ऑफ अपलेट ट्रिब्यूनल बेटा, हाँ है ना बेटा। तो सर कहाँ जाएंगे हम? हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे बेटा, भारत माता की जय। आइए सरकार क्वेश्चन नंबर सी देखिए क्या लिखा है बेटा। एक्मे सेल्स इंपोर्ट्स वर बींग प्रोविजनली असेस्ड पेंडिंग अ वेरिफिकेशन दैट डिपार्टमेंट वॉज कैरिंग आउट। ओके एक में सेल्स ने क्या किया कुछ गुड्स इंपोर्ट किया जिसका प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन कुछ पेंडिंग था बेटा, इसलिए उन्होंने प्रोविजनल असेसमेंट कर दिया साहब। अपॉन कंप्लीशन ऑफ द वेरिफिकेशन द असेसमेंट वॉज फाइनलाइज्ड। ओके, वेरिफिकेशन हो गया, असेसमेंट फाइनलाइज हो गया बेटा। एंड एक्मे सेल्स वॉज आस्क्ड टू पे ₹12 लाख विच इट पेड। ओके, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स ₹12 इसने पे कर दिया बेटा, प्रोविजनल असेसमेंट हुआ, ड्यूटी एक बार पे किया होगा प्रोविजनली, फिर फाइनल असेसमेंट हो गया वेरिफिकेशन होने के बाद और फाइनली ड्यूटी का अमाउंट निकला कितना, डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स ₹12 लाख जो इसने पे कर दिया बेटा। आफ्टर 6 मंथ्स, ओके, अपॉन डिटेल्ड स्क्रूटनी ऑफ द वेरिफिकेशन रिपोर्ट एंड टेकिंग लीगल ओपिनियन ऑन इट, एक्मे सेल्स फाइल्ड अ क्लेम फॉर रिफंड ऑफ ₹8 लाख ऑन द ग्राउंड दैट द डिफरेंशियल अमाउंट शुड बी ₹4 लाख ओनली। अच्छा सर, 6 महीने बाद इसको समझ में आया कि मेरे को डिफरेंस अमाउंट ऑफ टैक्स केवल 4 लाख देना था, 12 लाख नहीं, तो इसने क्या किया, 8 लाख के लिए डायरेक्ट रिफंड क्लेम कर लिया। ओके वाह सर, एंड देयर वर फैक्चुअल एरर्स इन द वेरिफिकेशन रिपोर्ट, ये बोलता है बेटा। ओके, इज दिस द करेक्ट मोड ऑफ रिड्रेसल फॉर द एक्मे सेल्स, व्हाट विल बी द लाइकली आउटकम ऑफ द क्लेम, डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ केस लॉ इफ एनी। ओके बच्चों, वैसे ये देखा जाए तो अपील वाला मैटर बेटा, पर फिर भी तुम्हें समझाता हूँ बच्चों, मैं कस्टम्स की अपील सीए फाइनल के कोर्स में नहीं आती है। सर आपको बताता हूँ मेरे कि कभी भी प्रोविजनल असेसमेंट जब आपने कराया फिर गवर्नमेंट ने वेरिफिकेशन पूरा किया उसके बाद फाइनल असेसमेंट जब होता है तो फाइनल असेसमेंट का जब ऑर्डर पास हो गया और अगर आपको लगता है फाइनल असेसमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है तो रेमेडी आपके पास है क्या, यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर बेटा। इस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील फाइल कर सकते हो और आपको पता है कस्टम्स का अपील वाला सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता है, पर आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए क्योंकि एक क्वेश्चन आईसी ने आप पूछ लिया है, वैसे आपको नहीं पूछना चाहिए एग्जाम्स के लिए बेटा, एमटीपी में गलती से पूछ लिया होगा इन्होंने। सर अपील जो फाइल करनी होती है विदिन 60 डेज फाइल करनी पड़ती बेटा, जिस दिन उस ऑर्डर जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी था उसने जब ऑर्डर पास किया, ऑर्डर सर्व किया, उसके 60 डेज के अंदर आपको अपलेट अथॉरिटी को अपील फाइल करनी थी बेटा, और 6 महीने निकल गए
अब आप आए और रिफंड लेकर डायरेक्ट बैठा, नहीं सर, आपने आपको जो रेमेडी अवेलेबल थी वो अपील के थ्रू थी, वो भी 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, और 60 दिन निकल चुके, आपने अपील फाइल नहीं करी, अब आपकी अपील टाइम बार हो जाएगी, तो आपने क्या किया बेटा, अपील तो फाइल कर नहीं पाओगे, तो आपने बैकडोर अपनाया बेटा। बैकडोर क्या है, डायरेक्ट रिफंड क्लेम कर लो। अरे भाई रिफंड क्लेम कब मिलता है, जब आप केस जीत जाओगे। अपील होती तो केस होता, अपील में आप जीतते तो रिफंड की बात आती, फिर आप रिफंड के लिए अप्लाई करते फिर रिफंड मिलता, सो देर इज नो बैकडोर एंट्री। तो ऐसे केस में अब आपको कोई रिफंड का रेमेडी अवेलेबल नहीं है, और ऐसे केस में आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात। सर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था इन केस ऑफ प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2004 बेटा सर, और उसमें बोला क्या, आपको अपील फाइल करनी थी और अपील फाइल करने का टाइम निकल गया है, अब आप अपील फाइल नहीं कर पाएंगे और डायरेक्ट रिफंड के ऑर्डर को हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे केस में एसएससी केस हार गया, डिपार्टमेंट केस जीत गया, और ऐसे केस में कोई एसएससी को रिफंड नहीं मिलेगा बेटा। क्लियर, डन। वैसे ये टॉपिक अपील अंडर कस्टम का है, जो गलती से क्वेश्चन एमटीपी में पूछ लिया बेटा, अपील अंडर कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता बेटा। ओके सरकार, आइए क्वेश्चन नंबर सिक्स माहौल, लास्ट क्वेश्चन ऑफ एमटीपी, उसका पार्ट ए, व्हेन इज एन ईवे बिल रिक्वायर्ड टू बी जनरेटेड बेटा। अरे वाह, रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 1 क्या बोलता है सर, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000 इज रिक्वायर्ड टू जनरेट पार्ट ए ऑफ द ईवे बिल। भले वो मूवमेंट जो हो रहा है फॉर द पर्पज ऑफ सप्लाई हो रहा है, भले अदर देन सप्लाई हो रहा है, या अनरजिस्टर्ड पर्सन से रजिस्टर्ड पर्सन ने परचेज किया उसकी वजह से मूवमेंट हो रहा है। क्लियर, एक्सीडिंग 50,000 अगर वैल्यू होगा तो ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है बेटा। क्लियर, और हाँ ध्यान रखिएगा बेटा, सर दो केस कौन से बेटा, एक तो आपने अगर जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा है, सुनना बच्चों ध्यान से, सर प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर के यहाँ गुड्स भेजा है और जॉब वर्कर किसी और स्टेट में है, जिस स्टेट में प्रिंसिपल है उस स्टेट में नहीं है, किसी और स्टेट में, मतलब इंटरस्टेट मूवमेंट किया है गुड्स का प्रिंसिपल ने फॉर डिलीवरी टू जॉब वर्कर, तो ऐसे केस में ऑल द गुड्स की वैल्यू 50,000 क्रॉस नहीं करी फिर भी आपको ईवी बिल इशू करना कंपलसरी है। और सेकंड एक्सेप्शन, हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ऐसा पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है हैंडीक्राफ्ट गुड्स को जिसको रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जिबिशन दिया हुआ है, क्योंकि इंटरस्टेट सप्लाई करने में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, पर हैंडीक्राफ्ट गुड्स केस में इंटरस्टेट सप्लाई अगर आप करते हो तो भी आपको जो जनरल एग्जिबिशन बेनिफिट है 20 लेखा वो मिलेगा बेटा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब ऐसे लोग अगर इंटरस्टेट मूवमेंट करते किसका, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो ऐसे केस में उनको इररेस्पेक्टिव वैल्यू ईवी बिल इशू करना कंपलसरी बेटा। और हाँ ध्यान रखिएगा, बाय रोड अगर ट्रांसपोर्ट करते हो तो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ईवी बिल पार्ट ए प्लस पार्ट बी इशू ना कंपलसरी है, पर हाँ बाय एयर या बाय रेलवे अगर आपने गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन किया है, या बाय वाटर, तो ऐसे केस में इवन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द गुड्स आप पार्ट बी बना सकते हो बेटा, पार्ट ए पहले बना देना, पार्ट बी बाद में बना देना बेटा। क्लियर, डन। सर आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज अंडर सेक्शन नंबर 65, इंटरनल ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट बेटा, एंड स्पेशल ऑडिट अंडर सेक्शन नंबर 66 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, यदा सीए कॉस्ट अकाउंटेंट। सर सेक्शन नंबर 65 इज द ऑडिट बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंटल ऑफिसर आपके पास यहाँ पे आएंगे और ऑडिट करेंगे बेटा। एसएससी को वो सेलेक्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क इवैल्यूएशन सिस्टम, कमिश्नर की डायरेक्शन पे ये ऑडिट होती है बाय द कमिश्नर या एनी अदर ऑथराइज ऑफिसर बेटा। ये ऑडिट आपको कंप्लीट करनी पड़ती है विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट, और कमीशन चाहे तो आपको 3 महीने में कंप्लीट करनी पड़ती है, और कमीशन चाहे तो आपको 6 महीने का वक्त और दे सकता है ऑडिट पार्टी को बेटा, 3 month plus 6 month का टाइम हो गया बेटा। और हाँ अगर स्पेशल ऑडिट की बात करूँ मैं आपसे अंडर सेक्शन नंबर 66, तो दिस इज द ऑडिट, ये आपको करानी पड़ेगी कब, अगर असिस्टेंट कमिश्नर या उसके अबो रैंक वाले ऑफिसर को ऐसा लगता है कि आपने जो वैल्यू डिक्लेयर करी वो सही नहीं है, या आपने ITC जो क्लेम किया वो सर बहुत ज़्यादा क्लेम किया है, मतलब नॉर्मल लिमिट की से बहुत ज़्यादा क्लेम किया आपने, गड़बड़ है सर, तो ITC या वैल्यूएशन में कोई गड़बड़ है, उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है इन दोनों फील्ड में, वैल्यूएशन या ITC में, तो ऐसे केस में आफ्टर टेकिंग प्रायर परमिशन ऑफ द कमिश्नर वो आपको स्पेशल ऑडिट का ऑर्डर दे सकता है, जो ऑडिट आपको करानी पड़ेगी फ्रॉम अ कॉस्ट अकाउंटेंट और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज नॉमिनेटेड बाय द कमिश्नर, और कमिश्नर अपॉइंट करेगा उस सीए को या कॉस्ट अकाउंटेंट को, वो आपके यहाँ पे आएगा और वो ऑडिट पूरा करेगा सर, और ये ऑडिट उसको पूरा करना पड़ता है विद इन 90 days प्लस असिस्टेंट कमिश्नर चाहे तो उसको फर्दर 90 days का और टाइम दे सकता है बेटा, 90 days प्लस 90 days का वक्त मिल गया अंडर सेक्शन नंबर 66। क्लियर, तो ये बेसिक पॉइंट हो गया किसके लिए, सर ऑडिट जो
ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी होता है अंडर सेक्शन 65 और 66 सेक्शन के अंदर स्पेशल ऑडिट बाय सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट हु आर अपॉइंटेड बाय कमिश्नर ऑन द सर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर बेटा क्लियर डन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट लास्ट पॉइंट है। Enumerate various matters in respect to which policies or regulations are framed in foreign trade policy. तो किन किन policies और framework के लिए सर foreign trade policy बनता है? सबसे पहले governing export and import of goods, हाँ है ना। Second सर आप policies आपने पढ़ी बेटा foreign trade policy में, उनका सबका नाम ले लो बेटा। First सर अगर आप कोई भी goods export करते हो तो exporter of goods को promote करने के लिए merchandise exports from India scheme दिया, services को promote करने के लिए service exports from India scheme दिया बेटा इन्होंने, क्लियर। तो उसको गवर्न करने के लिए एफटीपी बनाया बेटा। सेकंड सर देन एडवांस ऑथराइजेशन, अगर आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स करना है विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स तो सर आपको एडवांस ऑथराइजेशन दिया बेटा। सर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन स्कीम, ड्यूटी रेमिशन स्कीम एंड ड्यूटी एग्जिबिशन स्कीम दिया बेटा आपको, हाँ है ना बेटा। देन मतलब इनको गवर्न करने के लिए एफटीपी बनाया गया बेटा। देन EPCG स्कीम बेटा, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम टू इंपोर्ट द कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम्स और EPCG स्कीम हो या एडवांस ऑथराइजेशन बेटा, अगर आपने डोमेस्टिक मार्केट से परचेस किया तो भी इन स्कीम का आपको बेनिफिट मिलेगा। प्लस देन दे रखा आपको क्या, डीम्ड एक्सपोर्ट के बेनिफिट, क्लियर। डीम्ड एक्सपोर्ट को गवर्न करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए, देन स्पेशल इकोनॉमिक जोन की यूनिट या डेवलपर को गुड सप्लाई किया है या उसके प्रोविजन गवर्न करने के लिए, और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, फ्री ट्रेड एंड वेयरहाउसिंग जोन, बायोटेक्नोलॉजी पार्क एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क एंड इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी पार्क यूनिट को गवर्न करने के लिए इन्होंने एफटीपी को बनाया गया बेटा, हाँ है ना बच्चों। तो ऑल दिस पॉइंट आर कवर्ड अंडर एफटीपी, ये सब आपको लिखना है बेटा इसके अंदर, क्लियर। बस हेडिंग देना है बेटा आपको इसका, भारत माता की जय। पूरा मॉक टेस्ट पेपर खत्म होता है अब। सर लोग तो दुआएं कर रहे सर एग्जाम में भी ऐसा पेपर आ जाए, काश सर ऐसा ही आएगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे भी ईजी आएगा, बस आप पढ़ाई करिए अच्छे से एंड सर बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। ध्यान रखिए सर आपको आपका एम पता होना चाहिए। आपने बचपन में सुना होगा या आपने लॉकडाउन में भी अगर महाभारत देखी हो या आपने कभी सुना हो तो उसमें देखा होगा अर्जुन, अर्जुन के गुरु जब सारे उनके स्टूडेंट्स का जब टेस्ट ले रहे थे, जब वो तीर चलाना सिखा रहे थे तो अर्जुन से पूछा अर्जुन तेरे को क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने क्या बोला, मेरे को चिड़िया की आँख दिख रही है जहाँ तीर लगाना है, बस उसको बाहर क्या है दूसरी क्या चीज़ है उसको दिख नहीं रहा सर। तो आपका भी टारगेट क्या है अभी एग्ज़ाम से, तो आपको केवल वो दिखना चाहिए, मेरे को एग्ज़ाम क्रैक करना है बस, बाकी पंचायती में दिमाग मत लगाना बेटा आप लोग। बी फोकस्ड ऑन योर स्टडीज, हार्डवर्क करते रहिए बेटा, आपको हार्डवर्क करने से कोई रोक नहीं सकता बेटा, क्लियर। एंड ध्यान रखना बेटा जो लोग सच्चे दिल से मेहनत करते हैं, दिल लगा के मेहनत करते हैं और खुश रह के पढ़ते हैं, उनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा बेटा, और माहौल आप जिंदगी में हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे अगर आप पॉजिटिव रहते हो तो बेटा, क्लियर। ध्यान देना बेटा डिग्री इज अ पार्ट ऑफ लाइफ नॉट द एंटायर लाइफ, पर यस योर हैप्पीनेस योर फैमिली इज द एंटायर लाइफ, ओके एस्टेब्लिश्ड। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए बेटा, माहौल सर जय महाकाल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।